देखो चारों ओर कितनी हरियाली है, बहुत ही सुंदर जगह है ना। मैं इसी खुशहाल गांव में पैदा हुई थी और मेरा नाम है कुसुम। आकर खाना खा लो। आ रही हूँ माँ। जल्दी आ जा। अरे बिटिया ये क्या कर रही हो? मैंने क्या किया? क्या देख रहे हो? मैं ही कुसुम हूँ। मेरा परिवार इस गांव का सबसे इज्जतदार परिवार है। कोई भी विवाद हो तो गांव के लोग मेरे पापा के पास ही आते हैं। वैसे काफी लोग मेरे शरण में भी आते हैं। तुमने गलती की है, इसकी पेंसिल तोड़ी है। अब तुम उसका होमवर्क करो। इनकलाब जिंदाबाद। मेरी दो बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स हैं। एक है आरजू और दूसरी है तमन्ना। हम तीनों फर्स्ट स्टैंडर्ड से साथ ही पढ़ा करती थी। सॉरी मेरा मतलब मस्ती किया करती थी। लोकल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल। अच्छे से करो नहीं तो मुर्गी बना दूंगा। और फिर देखते ही देखते हमने स्कूल से कॉलेज तक का सफर तय कर लिया। कल मेरे पापा से मिलने एक डॉक्टर आया था, काला चश्मा पहने हुए, लंबा सा, बहुत ही हॉट। अगर इतना हॉट था तो उसे फ्रिज में क्यों नहीं डाल दिया? देख मजा देख। अरे कुसुम ये क्या कर रही है? ये हमारा बैड लक था कि गांव में कोई भी कोएड स्कूल या कॉलेज नहीं था। ऊपर से हमें एक मोटी स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल मिली थी। जल्दी कर, वो चुड़ैल आती होगी। जल्दी जल्दी काला खजूर। क्या हो रहा है? अगर दोबारा आइसक्रीम खाए तो कॉलेज से निकाल दूंगी। दिख रहा है दोबारा। अक्सर पास के बॉयज कॉलेज के लड़के हमारे कॉलेज के पास भिन भिन आते थे, लेकिन इस मुटकी से वो भी नहीं सहा जाता था। उन्हें मार खिलवाती थी। अब हमसे नैन मटक्का करने कौन आएगा? हमारी इश्क की सारी पतंगे तो कट चुकी हैं। अब हम अबला नारियां करेंगे भी तो क्या? और फिर एक दिन सब्र का बांध टूट गया। मैंने, तमन्ना ने और आरजू ने एक प्रण लिया। चाहे कुछ भी हो जाए, हम तीनों लव मैरिज करके बगावत का झंडा गाड़ेंगे। और उस दिन से हमने सारे हैंडसम लड़कों को पटाने की मुहिम छेड़ दी। मस्त है ना? कुसुम वहाँ देख। ए, थिएटर फुल हो गया, अभी तक रील नहीं पहुँची रे। ए, नीचे बैठ जा। क्या बोलती है? मूंछ मस्त है ना? मुझसे क्या होगा? मतलब अंदर से हॉट, समझी? ए, तमन्ना वो रेड शर्ट पे नाच रहा है, वो मस्त है ना? कौन? वो बेवड़ा? हाँ वही। अरे इससे अच्छा तो मेरा मूछ वाला था। चुप करना, शादी के बाद मैं खींच कर इसकी मूछ लंबी कर दूंगी। छोड़ ना यार, वो उसका प्यार है तो उससे से शादी करवा। मेरे मरने के बाद उससे शादी करवा लेना तुम। हाँ तो कब मर रही हो बता दो। हा? अपने बाप को मरने के लिए कह रही है? हा? शादी आपके मरने के बाद करूंगी, लेकिन उसी से करूंगी। कर दिया मैंने। दोनों सहेलियों के घर में मानो वर्ल्ड वॉर छिड़ गया हो। दोनों पार्टीज में से कोई भी झुकने को तैयार नहीं था, इसलिए सबको क्लीन बोल्ड करने वाला एक बोल्ड डिसीजन लिया और फिर कोर्ट मैरिज कर ली। कुसुम मेरे खड़ूस बाप को बता देना। मैं अपनी फ्रेंड्स जितनी लकी नहीं निकली। कुसुम की माँ, कुसुम के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है। मेरे ख्याल से हमें हाँ कह देनी चाहिए। हाँ कह दो, इसकी उम्र में तो मैं दो बच्चों की माँ बन गई थी। ये भी हमारा मुंह काला करे इससे पहले इसके हाथ पीले कर दो। मैं इनको छोड़ूंगी नहीं, बिना जाने पहचाने मैं किसी आरे गैरे से शादी नहीं करूंगी। भगवान आप मुझे बचा लीजिए, मैं पूरे 125 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी। दीदी दीदी चलिए भगवान पकड़। दीदी उस लड़के ने शादी के लिए हाँ कर दी है। अगले महीने आपकी शादी है। दीदी की निकल पड़ी। 125 रुपए का प्रसाद कैंसिल, सब कुछ खत्म हो गया। पता नहीं कैसा होगा जिसके साथ पूरा जीवन बिताना है। Hey!
ज्यादा पिएगा तो गैस हो जाएगी, थोड़ा इधर भी दे। अकेले अकेले पी रहा है यार। एक बात बता, लोग दोस्तों की शादी में क्यों आते हैं? सिर्फ और सिर्फ फ्री में घटकने के लिए। सही बोल रहा है। सरकार ने इतना टैक्स बढ़ा दिया है कि हम होटल में पी नहीं सकते और घर वाले घर में हमको पीने नहीं देते। करेक्ट है। शादी में लोग दोस्तों के लिए क्या क्या करते हैं और तू हमें मिनरल वाटर भी नहीं पूछ रहा है, बस बॉटल खाली करके फेंकते जा रहा है, दोस्तों को नहीं पूछ रहा है और ऊपर से तू देख के चलाना, पी के चला रहा है क्या? ट्रक चलाना नहीं आता तो रिक्शा चलाना। रिक्शा साला मरेगा किसी दिन। मैं तो बोलता हूँ गाड़ी रोक, इसको इधर इसको डालते। थोड़ा बहुत शर्माने का नाटक करना ना, और सारा दूध खुद मत पी जाना, थोड़ा बचा भी देना उसके लिए, पूरी ट्रेनिंग दी ना, सब सिखा दिया आंटी। सामने देख, तेरा ससुर है। हटो हटो रास्ते से हटो। ये तो चुप रह, दुल्हन आ रही है। ओम परम जनो क्या कर रहा है फोन दे। अरे जोर से बजा, और जोर से, और जोर से। हो गया, सारे सपनों का दी एंड, सारी खुशियों ने मुझे टाटा बाय बाय कर दिया। लो बारिश आ गई, लगता है इसने पतीले में बहुत खाना खाया है। बरसात में मेरे सारे नए कपड़े खराब हो गए, अब इसका बाप नहीं आएगा क्या? जाना अंदर। अरे जा रहे, आप ही सारी शर्म निकल जाएगी। लोग कहते हैं कि अच्छी किस्मत से ही अच्छा जीवन साथी मिलता है। मेरी ये सोच कि लव मैरिज ही कामयाब होती है बिल्कुल गलत थी। मेरी ये सोच आज बोगस और फ्लॉप साबित हो गई। जैसा निकम्मा बाप वैसा यूज़लेस बेटा, दोनों जाहिल है। सुबह सुबह मेरा मूड मत खराब करो, वरना मैं इंसान नहीं रहूंगा। पापा, बड़े आए इंसान, दिन भर भैंसे की तरह ठूसते रहते हो। क्या 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 मुझे भैंसा कहा? हाँ, तू भी तो शुतुरमुर्ग की तरह दिखती है, अपनी शक्ल देख कभी। मेरे को बोलती है पांच पांच दिन नहाते हो, गंदे छोड़ूंगा तुझे, तेरी हिम्मत कैसे लगती है? अपनी जबान संभाल, तू जैसी शक्ल है तेरी, छिपकली छिपकली है तू। अरे कौन सी मनुष्य घड़ी में तेरा घूंघट उठा था? आए तेरा घूंघट उठाने पहले मैं मर क्यों नहीं गया? हे भगवान, क्या बल्ले पड़ गया मेरे। हे भगवान,
गेहूं से बना आटा नूडल्स, बनाने में आसान, खाने में उससे ज्यादा आसान। नूडल्स बनाओ, खुद जान जाओ। ये लो खाओ। अब तुम्हारी मम्मी तुम्हें डांटेंगी तो नहीं ना? उनकी फिक्र मत करो, मुझ बेचारे को घर पर अकेला छोड़कर बाहर रोमांस करने चले जाते हैं। तुम खाओ। पता है मेरी मम्मी पापा ने लव मैरिज किया था, शादी के पहले रोमांस किया ना, इसीलिए तो आज तक रो रहे हैं। लेकिन मेरे मम्मी पापा ने शादी के बाद किया, इसीलिए तो आज तक लव बर्ड्स की तरह डेट पर चले जाते हैं। ओह गॉड, मुझे देर हो रही है, तुम जरा देख लेना प्लीज। ख्याल टेक केयर, मंडे को मिलते हैं। बाय 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 बाय, सी यू कुसुम। कुसुम जरा यहां आना। यस मैम। इतनी जल्दी भी क्या है, बैठो जरा। चलेगा मैम, आप बोलिए ना। आज रात 9 बजे मेरे बेटे की बर्थडे पार्टी है, अपनी बेटी और हीरो को लेकर वक्त पर पहुंच जाना। मैडम आज सैटरडे है तो ओके ओके देन बाय। यूज मी। ओह नो, चलो पार्क चलते हैं। ये कोई जगह है? लाउड है, लगता है मम्मी आ गई। अच्छा आ गई, चलो उठो। क्यों, मैं नहीं उठूंगी। चलो जाओ। आयशु जब देखो मुझ पर हुक्म चलाती रहती है। सुनो ना, लिफ्ट में एक हॉट सीन देखा मैंने। एक लड़का लड़की किस कर रहे थे। तो आंखें बंद कर लेती। तुम्हें तो अक्कल ही नहीं है। ठीक है जा रही हूँ। सामने रखे मिरर में सब दिखता है। देखा आपने? हाँ, हाँ बेबी। मम्मी एक छोटे से गांव से आई है और खुद को अमेरिकन समझ रही है। क्या कहा तुमने? क्या कहा? देखा तुमने कितनी ज़बान चलाती है? वैसे आयशु ने कुछ गलत नहीं कहा, हो तो तुम गांव की लेकिन अमेरिकन बनना चाहती हो। दरवाजा खोलो, गुस्सा क्यों कर रही हो? 9 साल की बच्ची अपनी माँ से ऐसे बात करेगी? सही कहा आपने, 9 साल की बच्ची से कोई ऐसे बात करता है? मैं छोड़ूंगी नहीं, समझती क्या खुद को? ए, मेरी देसी गर्ल, अब जाने भी दो। Let's celebrate this young night. Cheers. ठीक, पीते विदेशी हो, आदत है ठर्रे वाली। ए, दिखने में भले हाई क्लास दिखता हूँ पर हूँ दिल से देसी। कुसुम, धीरे धीरे पीने से दारू की इंसल्ट होती है, एक सांस में गटकने का तभी अंदर से एक जबरदस्त किक मिलती है। ओके। ए, ये टॉन्ट वाली स्माइल मत दो, ड्रिंक बनाओ। ए कुसुम, दुनिया के सारे बार बंद हो जाते अगर सब बीवियां तुम जैसी होती। एक और बनाना।
नहीं अब नहीं, आज का कोटा हो गया। ऐसा क्या करती हो डार्लिंग, एक छोटा सा पैक बनाओ ना। देखो जिद मत करो। वो लिफ्ट में तुमने वो हॉट सीन देखा ना, उसी को सेलिब्रेट करते हैं ना। अच्छा वो सीन मैंने देखा तो मुझे पीनी चाहिए। तुमने पिया मैं पिया एक ही बात है, एक एक छोटा सा पैक छोटा सा। सर ये क्या कर रहे हो तुम, नहीं छोड़ो ठीक दो। ए कल दिमाग और पेट एकदम दुरुस्त रहेगा। जूली लिली तुम मुझे एकदम खुश रखती हो, लेकिन क्या मैं भी तुम्हें हैप्पी रख पाता हूँ? बोल के बताओ। जितना खुश मैं गांव में अपने माता पिता के साथ थी उससे कहीं ज्यादा खुश मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब खुश? I'm the happiest man in the world! शोर मत करो, पड़ोसी जाग जाएंगे। एक खुशी, एक खुश आदमी लाइफ में फिर पकड़ेगा। गलत काम नहीं कर सकता। जब तक तुम साथ हो ना, मैं कभी गलत रास्ते पे नहीं चल सकता। अरे कहाँ जा रहे हो? मैं खुशी को दुनिया के साथ बांटना चाहता हूँ। वापस आओ, क्या कर रहे हो? I'm the happiest man in the world! Enjoy, man! Enjoy! Thank you! Papa, अपना लेट नाइट ड्रामा बंद करो, मैं कब से सोने की कोशिश कर रही हूँ। क्यों हुआ? डर गए? आईशो तुम्हारे पापा सो गए। कितनी बार बोला है शहर जाकर आधा लीटर पेट्रोल डलवा लाओ। कोई बात नहीं, इलेक्शन जीतते ही गांव में हैंड पंप से पहले पेट्रोल पंप खुलवाऊंगा। तो आखिर मेरे तलवे चाटने के लिए आना ही पड़ा ना। किसी की भैंस दूध नहीं देती, किसी की भैंस चारा नहीं खाती। अरे मैं पॉलिटिशियन हूँ, कोई साधु संत नहीं हूँ। तुम लोग को क्या पता मैं दिन में कितना बिजी रहता हूँ, इसलिए मैंने व्हाट्सएप पे समस्या गई तेल लगाने नाम का ग्रुप बनाया है। अबे फेंकना बंद कर, मुद्दे की बात कर साले। ए तू यहाँ का सरपंच है ना, तेरे सरपंच बनते मेरे सर पे पंच पे पंच क्यों पड़ रहे? सालांस सालांस, तेरी बकवास सुनने में फटफटी में इतना पेट्रोल डाल के आया? मैं जनता की सिर्फ सुनने के लिए आया हूँ। पीपल के नीचे बैठ के पीपल लोग को खाली उल्लू बनाते हैं। हटो रे, हटो हटो हटो, पैर छुओ मेरे। अबे पैर धो क्या, तू खुद को समझता क्या है बे? शादीशुदा औरत को चिमटी काटी, वो भी कूले पर। चिमटी काटने को मैरिज सर्टिफिकेट देखना पड़ेगा। दरअसल उसके कूले पर एक छोटा सा कीड़ा घूम रहा था, मैंने जान जोखिम में डाल के वो कीड़ा वहाँ से हटाया और तुम लोग होके मुझे कुर्सी से हटाना चाहते हो। शांत शांत मकड़ो, शांत शांत, मैं जवाब दूंगा। सब रेडी है ना पिए? हाँ सब रेडी है। खामोश, लड़की जैसा रोता है, नो टियर व्हेन आई एम इन टॉप गियर। अच्छा ठीक है, इस गांव की लड़की को चिमटी काटने के लिए सॉरी, अब आगे से दूसरी गांव की लड़की को चिमटी काटूंगा। ये साला ऐसे नहीं मानने वाला, इसको सिटी हॉस्पिटल भेजना ही पड़ेगा। भाई मारो इसको। ये सफेद वाली निकल रहे, ये गरीबों में दान कर दे। बहुत दिन हो गया दान पुण्य किया नहीं, अच्छा हो गया मार पड़ी। ये लो ये धुली हुई है। एक सवाल है। बको। कुत्ते की तरह मार खाते हुए आप कुत्ते ही लग रहे थे, कितना मारा है लातों लातों से। पॉलिटिशियन हूँ, आदत हो गई है रे, लात खाके ही तो विधानसभा पहुँचूंगा। विधानसभा? हाँ टकले, जब मैं मार खाऊंगा तो मेरे मार खाने पर तरस खाके पब्लिक मुझे सीएम बना देगी और तुम सब बनोगे माले। गाड़ी बंगला, कितने महान हैं आप। गाड़ी बंगला सब मिलकर बोलो हमारे होने वाले सीएम की जय हो, होने वाले सीएम की जय हो, होने वाले सीएम की जय हो, होने वाला सीएम जिंदाबाद, चलता हुआ बैठने का आपसे एक और पर्सनल क्वेश्चन पूछना है। इतनी मीटिंग्स करते हो, बड़े बड़े लोगों से मिलते हो, गांव के प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, लेकिन अपने ही घर में पीछे से एंट्री क्यों मारते हो? ये आपको शोभा नहीं देता? ये अंदर से भी अंदर की बात है। कौन सी? घर के अंदर झाड़ू जैसी मूछ वाला एक इंसान है, वो वॉचमैन की तरह बैठा रहता है। जब मैं जनता से वोट मांग के जूती खा के घर पे लौटता हूं तो वो मुझसे पूछता है कि तेरा दिमाग खराब हो गया जो तू पॉलिटिक्स में एंट्री कर रहा है, बता मैं क्या करूं। इतना दिमाग है आपके पास? इसमें दिमाग नहीं रे, थोड़ा दूर का सोच के झूठ बोलना पड़ता है। अब अंदर चलें। अंदर किधर? आपके घर में। पहले जनता से जाके वोट की भीख मांगो, उसके बाद घर पे घुसा के चाय मंजन करवाऊंगा, उससे पहले कुछ भी नहीं। यहाँ वेंकट मेरे भाई, गजब हो गया, अनर्थ हो गया। पॉलिटिशियन जैसी हरकतें क्यों कर रहा है?
मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, तुमने मुझे थप्पड़। अरे गलती हो गई, गलती हो गई, नुन्नू सी गलती हो गई। गलती हूं, तुझे मैं कॉर्पोरेटर बनाऊंगा रे। अब बता दे, मैं सुन रहा हूं। गजब हो गया। अबे आगे बोलने के लिए वोट लेगा क्या? तुम्हारे ससुर ने गजब कर दिया, उसने एक चावल की फैक्ट्री खरीदी है। अच्छा, और पता है तुम्हें कौन सी नौकरी दी है? गेट पे खड़ा होके सबको सलाम करने की। कांता भाई, भैया जी, ये तो आपकी गर्लफ्रेंड का नाम है जिसको आपने चूटी काटी थी। क्या बोलू, क्या बोलू, क्या बोलू, चंद्रमुखी। अरे अब जाओ, ताला खुल गया। क्यों रही? होने वाले सीएम की आवाज नहीं सुनी? सुनी क्यों नहीं, दोनों नाम सुन लिए, चंद्रमुखी भी सुना और कांता भाई भी। वो सब छोड़, पहले बता मैं तेरा कौन हूँ? मैं तेरा हस्बैंड हूँ ना या नहीं हूँ? हस का तो पता नहीं, बैंड जरूर हो। तेरे से क्या रिश्ता है? लुगाई हूँ। और तेरे बाप का क्या लगता हूँ? निकम्मा दामाद। क्या बोली? दामाद लगते हो उनके? अब आई ना लाइन पे। तेरा पति हूँ, तेरे बच्चों का फादर हूँ, तेरे फादर का दामाद हूँ। इस घर में तीन तीन जिम्मेदारी वाली ड्यूटीज निभाने के बाद भी तुम दोनों मिलकर होने वाले सीएम का करियर खराब करने की प्लानिंग कर रहे हो। हाँ तो क्या? एक झापड़ मारूंगा, सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। ससुर की नाक ना कटे इसलिए मुझे हर गांव में अपनी नाक तुड़वानी पड़ती है, कई बार जूते चप्पल खाने पड़ते हैं। इसके बदले तू मुझे राइस फैक्ट्री का मालिक नहीं बनवा सकती? नहीं बनवा सकती, बोल। घर में कुत्ता घुसाया क्या? नहीं नहीं, मैं हूँ ससुर जी। तुझे क्या लगता है मैं इससे डर जाऊंगा? बड़ी बड़ी मुझे क्या उगाली, अपने आप को वीरपन समझने लग गया? घुसाया इस बार भी मैं ही हूँ ससुर जी। मुझे कुत्ता बोलता है, खुद ही भौंक रहा है। तुम भौंकना बंद करो। कुत्ते को कुत्ता नहीं बोलेंगे तो क्या कौवा बोलेंगे? कौवा मत करो। होने वाले सीएम को कौवा बोलने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? वैसे हिम्मत होती तो पिट करनी आते, पंचायत में सबने देख लिया ना। इस बात का कैसे पता चला? सिर्फ यही नहीं है, और भी बहुत कुछ पता चला है। महेश गॉडविन इधर आओ। क्या हुआ माँ? तुम्हारे पापा की पिटाई किस तरह हुई? जैसे कुत्ते की पिटाई होती है। बाप की तरह मारा। बाप की इज्जत उछाल दो। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी में तेरे साथ शादी हुई थी। सब तुम पर ही गए। तूने मुझे अपनी मिल का मालिक तो बना दिया, राइस मिल का मालिक कब बनाएगी? ये मेरी मिल का मालिक? छी, कभी नहीं। चंद्रमुखी, भिखारी आया है क्या? जब तक तू जिंदा है भिखारी रहूंगा। जिंदगी झंड करके रखी है मेरी, मूछों के साथ थोड़ा दिमाग भी उगा लिया होता। फालतू के सवाल पूछता है। अगले जन्म में तुझसे भी बड़ी मूछें उगाऊंगा और उस पर तुझे और तेरी बेटी को लटकाऊंगा। ज्यादा तो नहीं बोल गया, खाने में जहर ना मिला दे। ये लीजिए स्वामी जी। वो बरमुड़ा पागलों की तरह क्यों चिल्ला रहा था? पागल कुत्ते ने जो काटा। तभी देवी प्रसाद जी, कहिए आजकल तुम्हारी छोटी बेटी का पति क्या कर रहा है? मुंबई की किसी बड़ी कार कंपनी में सर्विस करता है। अच्छा, जी, हाँ। स्वामी जी से कहिए ना कि छोटे दामाद जी की कुंडली देख लाओ। स्वामी जी, ये हमारे छोटे दामाद जी की कुंडली है। देवी प्रसाद जी। स्वामी जी, क्या तुमने शादी से पहले कुंडली मिलवाई थी? जी हाँ। वैसे क्यों पूछ रहे? नहीं नहीं, कुछ नहीं, छोटे दामाद की हाँ। कुंडली में शादी के दो ही हो गए। ये आप क्या कह रहे हैं स्वामी जी? जो लिखा है वही कह रहा हूँ। क्या लैला, कहाँ खोई है? ए, उसे देखना, कितना स्मार्ट है, कितना हैंडसम है। यही तेरे जीजू है पारो। शक्ल से तो इडली सांभर बेचने वाला लगता है। तुझे पसंद है क्या? पारो, यही वो लड़का है जो मेरे सपनों में आकर मेरे दिल के द्वार खटखटाता है। मेरी इससे शादी करा ना। वो तुझे सच में पसंद है? तेरी सर की कसम पारो। कौन से स्कूल में पढ़ती हूँ? बीएमसी स्कूल। वो गवर्नमेंट स्कूल। उसकी इन्फॉर्मेशन निकालते हैं। प्यार अंधा बहरा लूला लंगड़ा सब होता है, जब बात करना। तू पागल हो गई है क्या? तेरी वजह से हम लड़कियों की नाक कट जाएगी, पहले प्रपोज लड़के ही करते हैं, समझी? एक्सक्यूज मी, काफी देर से मैं तुम लोगों की बातें सुन रही हूँ, अगर तुम लोग कहो तो मैं हेल्प करूँ। हेलो, मैं चार बॉयफ्रेंड्स को अपनी उंगली पे नचाती हूँ, तू मुझे मत सिखा। बड़ी आई। सुन लैला, आज हम लोग कॉलेज को बंक मारते और इसका पीछा करते, देखते हैं कि इसकी खोली कहाँ पर है। जा जाके बात करिए, ऑफर अगले स्टेशन तक ही सीमित है। यू लाइक रजनीकांत? थोड़ा थोड़ा। तेरी लॉटरी लग गई लैला। 150% बोलती है शादीशुदा नहीं है, क्योंकि शादीशुदा आदमी इतना खुश कभी रह ही नहीं सकता। यात्री कृपया ध्यान दें, 4 नंबर प्लेटफॉर्म पर आई लोकल यार्ड जाने वाली है, कृपया इससे यात्रा ना करें। पारो जल्दी आना, वो तेजी से भाग रहा है। चल चल जल्दी चल। अरे जल्दी चलना। अरे हाँ हाँ, तू उस पर नजर रख। हाँ पर प्रेजेंटेशन तो तैयार होना चाहिए ना, जल्दी करो। हाय, आर यू मुंबई का? या तेरी निकल पड़ी लैला। क्या आप लोग मुझे जानती हैं? जानते तो नहीं है, पर ये आपको जानना चाहती है। पारो ये क्या बोल रही है? बोल रही है ना? चुप। अरे बोल दे यार,
घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बोलो ना। देखो तुम मुझे गलत मत समझना हाँ, प्लीज। नो नो इट्स ओके कैरी ऑन। आई लाइक यू वेरी मच सो। ओह आई लव यू आई वांट टू मैरी यू, यही कहना चाहती हो ना, तो बस कह दो। एक आंटी कौन है, हटा इसको, इसको कोपचे में लेके चली जा जल्दी। मेरे साथ मैं तो हेल्प कर रही हूं। अरे मेरी बात अगर तू कुछ बोली ना तो तेरी बोलती बंद कर दूंगा। जानती नहीं है तू, सुन क्यों नहीं रही। बॉयफ्रेंड हेड कांस्टेबल है। मुझसे प्यार हो गया, मुझसे शादी करना चाहती हूँ। She's damn cute है। इससे कहो कि मैं तैयार हूँ। अरे बोला ना, मुंह बंद। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है। मैं तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स का समाधान करूंगी। बात यह है कि मेरी ये ऑलरेडी एक शादी हो चुकी है। So what? पहले वाले को तलाक देके इससे शादी कर लो। हाँ, what a brilliant idea. ठीक है, और मेरे पापा भी आएंगे। वैसे भी मैं एक लड़की के साथ बोर हो गया हूँ। उसे डिवोर्स दे दूंगा। डिवोर्स? कली लॉयर से जाके मिलता हूँ। मुझसे डिवोर्स लेगा? मेरे हस्बैंड से ऐसे बात? अरे जा जा। मुझसे डिवोर्स लोगे? मुझसे डिवोर्स लोगे? मेरी बात तो सुनो, प्रपोज उन्होंने किया। उस चुड़ैल से और क्या क्या कहा? अरे मैं तो थोड़ी मस्ती कर रहा था बस। मुझे दिल भर गया है, बोर हो गए मुझे। डिवोर्स हो गए, डिवोर्स हो गए मुझे। सुनो तो, अरे क्या मारोगी? अरे नहीं, सॉरी गर्ल्स, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं, रुको। मछली क्या? दूसरा ढूंढते हैं ना। वो लड़की कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गई ना। हाँ सचमुच। पूछ रही थी क्या मैं इसी शहर में रहता हूँ। तो फिर तुमने क्या कहा? एक मिनट। हाँ बोलो कवि। मुझे एक मैगजीन लेनी थी, मैं अभी आती हूँ। यहाँ पे एक मिनट। ओके। हाँ सॉरी बोलो। हमारे ऑफिस में वो नितेश नाम का आदमी है, जानते हो? क्या हुआ उसे? वो हमारे सीनियर अकाउंटेंट की वाइफ के साथ भाग गया। क्या क्या बोल रहा है? हाँ सही बोल रहा हूँ, बेचारा अकाउंटेंट। क्या हाल है उसका? वो सुबह से ऑफिस में बैठ के रो रहा है यार। उसकी बीवी तो 40। अरे उम्र से क्या होता है। कौन है यार देख के? हेलो हेलो गौतम, कैसा तू? वेल जेंटलमैन, जैसा कि मैंने आपको बताया, यूरोपियन कार्स दुनिया में सबसे बेहतरीन हैं, और इन्हें बनाने के लिए टेक्नोलॉजी को समझना बहुत जरूरी है। देखिए अब उसी टेक्नोलॉजी को हम इंडियन गाड़ियों में कैसे ले आए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, इंडियन कार्स में पिस्टन के लिए ज्यादा स्ट्रोक लेंथ नहीं होती, और इसीलिए नॉर्मल आरपीएम के लिए नॉर्मल टॉर्क और पावर काफी कम रह जाती हैं। इनकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए हमने पिस्टन की स्ट्रोक लेंथ को बढ़ा दिया है। देखिए ये बहुत ही आसान सा बदलाव है, क्योंकि हमने पिस्टन की स्ट्रोक लेंथ को ये टेक्नोलॉजी काम नहीं करेगी। इसकी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी बढ़ गई है और कार का परफॉर्मेंस बेहतर हो गया है। किसी को कोई सवाल पूछना है? सर आपने जो बताया वो यूरोपियन स्टैंडर्ड्स को सूट करता है, लेकिन शायद आप इंडियन रोड्स और यहाँ के लोगों की ड्राइविंग हैबिट्स के बारे में नहीं जानते। एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए वी मे हैव टू इंक्रीज द बोर डाय ऑफ द सिलेंडर, ताकि सेम आरपीएम के लिए बेहतर वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, पावर और टॉर्क मिल पाए। आपको ऐसा लगता है? यस सर। आपकी तारीफ किस आधार पर आप मुझसे ये सब कह रहे हैं? सर दिस इज गौतम, वन ऑफ आवर चीफ मैकेनिक्स। मिस्टर रंगनाथन, मैं नहीं चाहता कि कोई मैकेनिक मेरी कार के डिजाइन बनाए, समझे आप? ये मैकेनिक यहाँ क्या कर रहा है? इसे यहाँ से जाने के लिए कहिए। सर फॉर योर इन्फॉर्मेशन, इसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में गोल्ड मेडल मिला है। तो? अब ये मुझे इंजीनियरिंग सिखाएगा? बहुत हुआ। सुनो मैकेनिक, अपनी औकात में रहो। एक मैकेनिक इंजीनियर को डिजाइन के बारे में क्या बताएगा? जस्ट गेट आउट ऑफ हियर। रुको। सर जब तक ये मैकेनिक यहां से नहीं जाता, ये सेशन कंटिन्यू नहीं होगा। सॉरी जेंटलमैन। जा रहा हूं सर। सिक्योरिटी, किसकी गाड़ी है ये? निकालो यहां से। Thank you.
ओए मैकेनिक इत्थे आ। क्या कहा? मैकेनिक साहब आ गए? हाँ मम्मी, मैकेनिक साहब आ गए। गुड बैड मैकेनिक। चलो ये सब बाहर ले चलो। मैं इसे अकेले खाऊं? अरे मैकेनिक, ऐसे क्यों बैठे हो? तबीयत तो ठीक है ना? मैकेनिक के अलावा किसी और नाम से नहीं बुला सकती क्या? मैकेनिक को मैकेनिक नहीं तो क्या इंजीनियर कहूं? हाँ? ठीक है, ये आखिरी बार था, अब से मत बुलाना। मैं तो बुलाऊंगी। मैकेनिक मैकेनिक मैकेनिक, चुप हो जा। मैकेनिक ही हूं ना, लड़कियों का दलाल नहीं हूं। जा यहां से। पांच मिनट रुक जाओ ना, मैं नाश्ता तैयार कर देती हूँ। मैंने सिलेंडर के डाइमेंशंस को अल्टर किया है सर, अब इन्हें ट्राई करो। देखो ये मैच होते हैं या थैंक्स सर, अब इन्हें ट्राई करके देखो। जस्ट ट्राई दिस, हम काफी करीब हैं। गौतम, मुझे नहीं लगता ये आइडिया काम करेगा। मुझे डिस्करेज मत करो। ठीक है। हेलो। हाँ हाँ ठीक है। अरे यार मुझे घर जाना होगा। ओके। हेलो। अरे बोला ना पहुंच जाऊंगा, थोड़ा काम आ गया था। गौतम सर, तुम्हारी वाइफ सुबह से कम 10 बार कॉल कर चुकी है, अब तो उससे बात कर लो। हाँ बस मैं फोन करने वाला था। I'll talk to her. Yes! मैंने तुम दोनों बारिश में क्या कर रही हो? आओ गाड़ी में। आयुषु तुम चलो। कुसुम प्लीज मेरी बात सुनो। अरे बारिश में खड़ी रहोगी तो बीमार पड़ जाओगी, मेरी बात मानो, गाड़ी में। कुसुम प्लीज। तुम तो मुझसे तंग आ चुके हो ना? हे, ऑफिस में थोड़ी प्रॉब्लम थी, तुम चलो ना, मैं बताता हूँ। सुबह से तुम्हें फोन कर रही हूँ, एक बार भी मुझसे बात नहीं की? अपनी बेटी के सामने मेरी इंसल्ट की, मुझ पर चिल्लाए,
कुसुम, गुस्से में वो मुंह से निकल गया। झूठ मत बोलो, गुस्से में मन की बात सामने आ गई। मामा, पापा ने पहली बार ऐसी मिस्टेक की है, एक बार माफ कर दो। मामा, पापा को एक बार माफ कर दो, दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। चलो अभी, अब चलो ना माँ, मुझे सर्दी लग जाएगी। चलो, अब आपको क्या अलग से बोलना पड़ेगा, जल्दी चलिए। दोनों के झगड़े के चक्कर में मैं भीग गई। ऐसा दोबारा मत करना। छोड़ो मुझे, छोड़ो। तुम्हें लड़ना है मुझसे? मैं मारूंगी तुम्हें, छोड़ो। गौतम, एक बात कहूं? बोलो। हम कोई नया काम शुरू करें? क्यों, हमारी नौकरियों में क्या खराबी है? अच्छी सैलरी है, लाइफ की सिक्योरिटी है। सिक्योरिटी तो है, लेकिन तुम घंटों ऑफिस में रहते हो। जब मेरा मन तुमसे मिलने को करता है तो मिल नहीं पाते। मैं तुम्हें कितना मिस करती हूँ। जब हमारा खुद का बिजनेस होगा तो हम हमेशा साथ रह पाएंगे, एक दूसरे के और करीब। क्या बात कर रहा है, नेपाल में कॉल सेंटर खुल रहा है क्या? हाँ, ये ए, कवि आए गौतम। अच्छा सर, तुझसे बात करना चाहते हैं, चल। क्या हुआ? हाँ तो सही, अरे बता ना। अरे चल ना। सर आपने बुलाया? हाँ आओ बैठो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। क्यों बुलाया? सर, अरे ये क्या? सुपर, कंग्रेचुलेशन गौतम। सर तुम्हारी डिजाइन मैंने R&D डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड की और उन्होंने उसे अप्रूव करके अमेरिका भेज दिया। अब तुम्हें प्रेजेंटेशन के लिए अमेरिका बुलाया है। बस सर, ये सब आपने कब किया? किया तो तुमने है। सर थैंक्स, थैंक यू सो मच। सर अपग्रेड हो सर। अरे यार, बीवी ने बैगन मंगाए थे, भूल गया। सॉरी, इट्स ओके। अब ए वीना, ये कुसुम का है? उसे तो मैं कोर्ट में खींचूंगी। हाँ थैंक्स, समझते हो? कुसुम, एक गुड न्यूज है, अमेरिका में जो डिजाइनर्स कॉन्फ्रेंस होने वाली है उसके लिए कंपनी मुझे भेजने वाली है। एक और गुड न्यूज, मैं उसी कुत्ते को लेक्चर दूंगा जिसने मुझे कॉन्फ्रेंस हॉल से बाहर निकाला था। मैं मामा को फोन करके आती हूं। हां बिल्कुल, कांग्रेट्स, थैंक यू। अब जाना होगा। ओके, सब सोच रहे होंगे कि मैं कौन सी ब्रेकिंग न्यूज सुनाने वाली हूँ। ये धरती का बोझ आज तक कोई काम ढंग से नहीं कर पाया, पर मेरा छोटा बहनोई जो बम्बई में रहता है, अमरीका जा रहा है काम के लिए एरोप्लेन में बैठकर। इसीलिए मेरे बापू बम्बई जाकर उसको एरोप्लेन में बिठाकर वहाँ से उड़ा
देंगे। इसलिए मुझे अब ये बताओ कौन कौन सी आफ करने बंबई चलेगा। ये हाथ कब से ऊपर करवाने लगी? गुड न्यूज़ है ना? और तू क्यों अपना हाथ ऊपर कर रहा है? क्योंकि मैं उसकी टीम में हूँ। अबे टकले, वो कुत्ते की तरह मेरी इंसल्ट कर रही है और तू उसका कुत्ता बन रहा है। हाथ नीचे कर वरना शोरे का गब्बर सिंह बन जाऊंगा। डैडी, मेरे कामकाजी पति को छोड़कर बाकी सब लोग जाएंगे, इनको खेत में छोड़ देंगे। देखा, हो गई ना गड़बड़। अब क्या कर दिया मैंने? मुंबई की लड़कियां हॉट होती हैं, एक से एक तरीका जानती हैं। उन्हें तुम जैसे कालियों के साथ रोमांस करना अच्छा लगता है। समझो तुम्हारे अच्छे दिन शुरू हो गए। वो तुम्हें मुंबई का वड़ा पाव और भजिया पाव मसाज देंगी। सच कह रहा है टकले? क्या क्या करेगी मेरे साथ? अरे तुम टिकट तो बुक कराओ, बाकी ज्ञान तुम्हें मैं रास्ते में दूंगा। ओके ओके, उससे बोल मेरा भी टिकट निकाल दे। चाचा बोल क्या? सबके लिए खुशखबरी है, मैंने समझा बुझा के भैया को मुंबई आने के लिए समझा लिया है। भैया भी आ रहे हैं, अब तो सब लोग मुझसे खुश हो ना। तुमने मना के कोई अकल का काम नहीं किया। यहाँ रहेंगे तो झाड़ू पोछा तो करेंगे, अगर चलना है तो भैंस के डब्बे में ले जाऊंगी। ए, ये टकलू तुम्हारे बाप की उम्र से भी बड़ा है और तुम इसी की बातों को काट रही हो। चलो अब जल्दी से इसको सॉरी बोलो। हाँ हाँ हाँ। मेरा सेकंड एसी का टिकट लेना। तो ये फाइनल है? अब ये क्या स्टैम्प पेपर पर लिख के दूं? ठीक है, दो टिकट और ले लेना, कम से कम कुली के पैसे तो बच जाएंगे। नाना नानी आ गए। अरे वेलकम वेलकम, मैं खाना खा रहा हूँ, हाथ गंदे हैं। आ चले। नमस्ते, कैसे आप? आइए। अरे चलो चलो, आइए 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 आइए, हमारे कमरे में जाना नहीं। कैसी हैं? नमस्ते। अरे आइए, खुश हो गए। आइए ना। क्या रे, ठीक से आईना भी नहीं? और कैसे पकड़ूं? वहाँ लोग खाना खा रहे हैं और हम यहाँ खड़े खड़े तमाशा देख रहे हैं। ए, निकल रहे। अरे बहुत जोर किया, ये जाने दे। लाइन नहीं दिखती, पिछले दो घंटे से हम लोग खड़े और तू बीच में घुस रहा है। बाथरूम है कि राशन की दुकान? सब लोग लाइन में क्यों खड़े? अंदर कौन गया है? पता नहीं साला, चार घंटे से अंदर क्या कर रहा है? जल्दी करो वरना दरवाजे को तोड़कर अंदर घुस जाऊंगा। मैंने कहा था ना भैया, देर नहीं करते। एक बात बताओ, तुम इतने देर से अंदर कर क्या रहे थे? एक तो ट्रेन में बाथरूम के पास जगह मिली थी। हाँ तो? इसने सो नहीं पाया तो अंदर सो रहा हूँ, तो वो भी तुझसे देखा नहीं जा रहा है। अंदर खटिया भी है क्या? अबे टकले, तेरी तो चुप रहा है, मुझसे सामान लड़ा था। चाहो तो दो दो लोग एक साथ जा सकते हो। अरे कब से पका रहे हो, अंदर भी जाने दो। गांव में तुम दस दस लोग एक साथ लोटा लेकर जंगल में जाते थे तो फिर यहाँ क्या दिक्कत है? अबे तू इधर आ, मुझे अकेला जाना है। भेज भी कौन रहा है? गांव में तूने क्या कहा था? क्या कहा था? तूने कहा था कि गौतम से बात करके तू मुझे एसी वाला रूम दिलाएगा। हाँ, बोला था कि नहीं? लेकिन मुझे भी जाने दो। अबे टकले, होने वाले सीएम को तू चुना पकड़ के। गौतम भैया, तुम्हारे साडू भाई जानना चाहते हैं कि तुमने इनके लिए कौन सा कमरा सजाया है। क्यों, ये खुद नहीं पूछ सकते क्या? वो क्या है कि तुम उनकी इतनी इज्जत करते हो कि उन्हें तुमसे पूछने में शर्म आ रही है, इसलिए मुझे बीच में दलाली करनी पड़ी है। क्या है गंजे? गंजा हो गया तेरा बाप। भैया मैं यहाँ। ओ तो तुमने बुलाया? आप फोन करके आते तो मैं कमरा रेडी रखता। आइए ना। टकले कन्नी क्यों काट रहा है, बात आगे बढ़ रही है, चल चल बात कर। एसी वाले रूम में तुझे भी कोने में सोने की जगह दे दूंगा, चुपचाप बैठ। घर का ये हिस्सा हमारा फेवरेट है, उम्मीद है आपको भी बहुत पसंद आएगा। ये तो एसी वाला रूम है, आप हमारे सबसे खास मेहमान हैं। ये यहाँ नीचे सोएगा, खास इंतजाम होना ही चाहिए ना, सब कुछ रेडी है। भैया आइए ना। क्या आपका कमरा तैयार है? बैठिए ना। क्या हुआ? ये आपका डबल बेड है। नीचे सीएम नीचे सोएगा, इसीलिए तो बिस्तर लगाया ना। पीएम हो क्या जो ये सीएम मानेगा? इतने दूर से मैं यहाँ बरामदे में सोने आया हूँ। अरे इससे अच्छा ना भैंस का तबेला है, इस झाड़ू वाले जगह पे तुम साड़ू को सुलाते हो। मेरे ससुर को पता चला तो अच्छी खबर लेंगे, और मेरे महिलेश को पता चला तो जानते हो क्या होगा? पूरा पार्लियामेंट तुम्हारे घर के सामने खड़ा हो जाएगा। तुम मुझे समझते क्या हो? मैं पार्लियामेंट के साथ साथ राष्ट्रपति भवन हिलाने की ताकत रखता हूँ। ओबामा जिसके साथ चाय पीता है उसे तो बरामदे में सुलाएगा। अगर तूने मुझे बरामदे में सुलाने की कोशिश की तो मैं सीधा व्हाइट हाउस में जाके सो जाऊंगा, समझा? ठीक है, आपको नहीं सुना ना? अबे तुझे समझ में नहीं आ रहा? अबे समझाना। प्रेशर में हूँ। वापस गांव चले। क्या कहा? वापस गांव चले जाइए। अरे ये कैसी बात कर रहे हो, घर की सबसे अच्छी जगह दे रहे हो। अरे व्हाइट हाउस में भी इतनी खुली खुली जगह मिल सकती है क्या? अपना बदबूदार मुंह बंद कर और चुपचाप सो जा। शक्ल कौवे जैसी और नवाबी थाट। कुछ खाना बचाओ तो भैया को खिला दो। मैं दो नंबर करके आऊं क्या? ये सब तेरी वजह से हुआ है, एमएलए बनेगा, कॉर्पोरेटर बना देगा। अरे यहाँ तो कॉकरोच भी है। अरे अरे ऑटो क्यों रुकवा रहा है? क्या इस स्वर्ग का द्वार आ गया? अच्छा यही है, यही वो जगह है जहाँ परियां रहती हैं। एक क्या करें? बात कर रहा है, हाथ मिला। पता है यहाँ आने के लिए मैंने कितने पापड़ बेले, मंदिर के बाहर बैठकर भीख मांगी, छोटे छोटे बच्चों का पॉकेट मनी मारा, कल्लू कसाई से उधार लिया, गांव वालों को चूना लगा के चंदा इकट्ठा किया, ससुर को उल्लू बनाया, सास को उल्लू बनाया, साली को उल्लू बनाया, साले को उल्लू बनाया, पूरे के पूरे ससुराल को उल्लू बना के मैं इस पवित्र पापी जगह पर पहुंचा हूं। आज मैं इन्हें वोट दूंगा, कल जाकर ये लोग मुझे वोट देंगे। लेकिन मेरा प्रमोशन भूल नहीं जाना। तेरी पीए की पीए पोस्ट पक्की, नाड़ा खुल जाएगा। चलो चलो। ए, ए, मक्खी की तरह मेरे पीछे पीछे क्यों भिनभिना रहा है? आपकी मदद करने के लिए। मेरी मदद करेगा?
मेरी बात सुन, जब चड्डी लुंगी टॉवेल बनियान की जरूरत पड़ेगी तो मैं तुझे आवाज दूंगा, समझा? तब तक जाके बाहर मुझे अंदर आने दो ना, मैं कोने में बैठ के खाली शो देखूंगा। शो देखेगा? अबे ये कोई सिनेमा हॉल है क्या? एक कान के नीचे दूंगा ना, इस कमरे में झांक कर बिल्कुल देखने का नहीं, समझा क्या? चल भाग यहां से। अरे भाग बोला ना यहां से। ए मेरी मैयत में आया है, थोबड़ा क्यों लटका हुआ है? मेरी खुशी में ही तेरी खुशी होनी चाहिए। गो 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 जा जा रहा हूं। हां गो, पूछ लगा बैठ। हां एक दिन आएगा जब तेरे पाप का मटका फूटेगा और तू ऊपर से लेके नीचे तक गीला हो जाएगा, फिर देखना तुझे कौन सुखाता है कमीने। बचाओ, यहाँ तो सब कुछ उल्टा पुल्टा है, बचाओ। क्या क्या हुआ? अंदर कोई सांप देख लिया क्या? अबे अंदर डबल फ्लेवर है। अरे तो अच्छी बात है, एक तीर दो निशाने। अबे गंजे डबल का मतलब ना तो वो लड़का है और ना ही लड़की है। अरे जरा खुल के बताओ हुआ क्या? अरे मेरे जान, अरे क्यों बाहर आए, क्यों बाहर आए? अरे आओ ना, अरे मैं कच्ची नहीं हूँ क्या? अरे मैं अच्छी नहीं हूँ क्या? अरे पैसे नहीं है कम से कम, थोड़ी मसूली तो बनती है। इसे मेरे 5000 वापस दिला। आंटी पैसे दे दो ना प्लीज। पैसे मुआ भाई तो दिया था, एक ही पैसे में दोनों मजे लोगे क्या? पैसे लो। अरे इना मीना दीना सब बाहर आ रहे यार। भी तीन दिन से यहाँ है, दोनों ने पूरा मजा किया, इनको 50,000 देने हैं, पर अब पल्टी मार रहा है। क्या बकवास कर रही है ये? मैं क्या जानू, मुझे सही बोल रही है। अरे क्या बात है, ये तो गाँव वाली है। सॉरी मैं रास्ता भटक गया था। हम भटके मुसाफिर को रास्ता दिखाते हैं, चल तेरे को भी दिखाएंगे। अरे बाप रे, बच्चों मस्ती करना बंद करो, जाओ। पापा आपने बुलाया? आओ बेटे, आओ आओ, एक चेयर ले लो। नहीं मैं ठीक हूँ, आप बोलिए क्या बात है? दामाद जी की फ्लाइट कब की है? रात 10 बजे की फ्लाइट है। ओ अच्छा, वैसे तुम खुश तो हो ना? बहुत बहुत खुश हूँ। शाम को दामाद जी ऑफिस से टाइम पर घर आ जाते हैं ना? हाँ आते हैं, आप क्यों पूछ रहे पापा? नहीं ऐसे ही, मुझे लगा बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं ना। वो कभी ओवर टाइम नहीं करते हैं, ऑफिस से घर और घर से ऑफिस, ये तो फर्स्ट टाइम है जब वो मुझसे और आयशु से दूर जा रहे हैं, बस कुछ ही दिनों की बात है। ठीक है, तुम जाकर तैयारी करो बेटा। अभी भी बच्ची है। आपके लिए ग्रीन टी बनाओ? नहीं नहीं अभी नहीं, बाद में। अच्छा बाय। ए चश्मेश मालिक, जल्दी यहाँ आ जा। ए जरा देख तो, यहाँ की काम वाली भी हमारे गांव के ब्यूटी क्वीन से पूरे 50 नंबर आगे है। वो तो है, पता नहीं आज तक बच्ची कैसे रहेगी। नए प्लान के लिए तैयार है? एकदम। गड़बड़ तो नहीं होगी? सवाल ही नहीं बैठता। तो सुन, जब वो गौतम यहाँ से जाने लगे तो मेरी तरफ से उसे अच्छी खासी रकम ले लेना, मांगेगा ना? हाँ कुसुम आ गया, आ गया, आ गया। भैया 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 नमस्ते। क्या? मेरे दोस्त और तुम्हारे साडू, इन्हें कुछ पैसा चाहिए। काम बन गया। ये लो। ये क्या भैया? पैसा मांगा था ना। इतना सारा, इतने पैसों में जहर तो आ ही जाएगा ना। ये सब कुछ तेरी बेवकूफी की वजह से हुआ है, बड़ा अमाउंट मांगना। इन्हें ढेर सारा पैसा चाहिए भैया। पैसा चाहिए? ये क्या ब्लैंक चेक है? टिकट है। अभी फिल्म देखने का कोई मूड नहीं है मेरा। ट्रेन का टिकट है। जब गाँव जाना होगा तो अपना टिकट मैं खुद ले लूंगा। मैं अपने हाथों से देना चाहता था। क्यों? इसमें आप दोनों के लिए 2 टिकट है। मेरी 10 बजे की फ्लाइट है, आपकी 8 बजे की ट्रेन है। 6 बजे टैक्सी में बैठेंगे तो टाइम पर पहुंच जाएंगे, संभाल के रखिए। साडू जी, हम तो तुम्हें बाय करने के लिए आए थे, लेकिन तुम तो हमें बाय कर रहे हो। क्या है साली? अगर आप गांव नहीं गए तो वहाँ के लोगों का क्या होगा? मेरी प्यारी साली, क्यों इसकी तरह मुझे रेशम की चप्पल से मार रही हो? मेरे जैसा प्यारा जीजा पूरी दुनिया ढूंढ कर भी नहीं मिलेगा। और मुझे कहाँ आना था, मैं तो गाँव में अपने CM बनने की तैयारी कर रहा था। तुम्हें बोला की जीजू जी आ जाइए प्लीज, उस दिन बोला था और आज मैं कह रही हूँ कि अब आप जाइए। जानती है तू किससे बात कर? मुंबई में कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसीलिए बात कर रहा हूँ। क्या तूने मुझे बुलाया क्या? वो तो मैं अपने असिस्टेंट की रिक्वेस्ट पे आया, मैं नहीं जाऊंगा भले ही मुझे मंत्रालय जाना पड़े। नहीं आप ऐसे नहीं मानोगे। अरे आप लोगों को पता है वेंकट मामा का कहाँ से पिट के? प्यारे साडू, तेरी बात मैं कैसे टालू? मेरे मुंबई में पिटने की खबर मीडिया वालों ने टीवी पर उछाल दी, क्योंकि तू भैरी है ना, इसलिए गाँव से खबर आई है कि कोई पेट्रोल पंप खोल रहा है तो मुझे उद्घाटन के लिए बुलाया। चल अबे चल, नहीं तो पेट्रोल नहीं मिलेगा। चल लगेज। सॉरी आपके पति को थोड़ा जल्दी भेज रहा हूँ। अरे अच्छा किया, मैंने तो गलती कर दी उनको लाके। प्लेन में अच्छे से खाना खाना, खिड़की से हाथ मत निकालना। बाय बाय। ठीक है तो चलता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। कितना भी बिजी रहूँ तुम्हें फोन करूँगा। बाय पप्पे तो दीदे। अच्छा चलता हूँ। बाय बाय बाय। जब देखो गेम गेम गेम, स्कूल का कैलेंडर कहाँ है? ये क्या लिखा है? तुम्हें इंसेक्ट बॉक्स बनाना था, तुमने बनाया? ठीक से पढ़ो ना माँ।
प्रोजेक्ट स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को बनाना है, यानी यू एंड योर लवली हस्बैंड। अरे अरे, गांव में कीड़े आसानी से मिलते थे, अब यहाँ पर कैसे लाएंगे? अगर प्रोजेक्ट नहीं बनाएंगे तो मुझे क्लास से बाहर निकाल देंगे। क्या ये मुझे बेवकूफ बना रही हो? सच कह रही हूँ माँ। अब तो ये भी नहीं है यहाँ पर। आयशु, जरा वॉचमैन को बुलाना बेटा। मैं नहीं बुलाऊंगी। इंसेक्ट बॉक्स चाहिए या नहीं? मम्मी, इंसेक्ट बॉक्स उसमें रखा है क्या? क्या पता, तुम्हारे पापा ने अपने स्कूल की और कॉलेज की सारी चीजें बॉक्सों में रखी, तो शायद कोई काम की चीज मिल जाए। आराम से, आराम से। सिक्योरिटी, वो ठीक से। अरे हटो, हट। जल्दी खोलो, जल्दी खोलो, जल्दी खोलो। रुको ना, खोल रही हूँ। अब ये मेरा है। ये ना इंसेक्ट बॉक्स। मिल गया। बाय। मिल गया मेरा इंसेक्ट बॉक्स। आर गौतम। गौतम, बीई, यही था मेरा बचपन का सपना, मेरा इंस्पिरेशन। गांव का एक इंजीनियर रमन, दिखने में ज्यादा स्मार्ट नहीं था, पर सारी लड़कियां उसी पर मरती थी। वो बात मेरे दिमाग में बैठ गई और इसी तरह गौतम इंजीनियर बनने की कोशिश में पूरी तरह जुट गया। लेकिन स्कूल में दोस्तों की वजह से मुझे स्मोकिंग और ड्रिंकिंग की आदत पड़ गई और उसका असर एग्जाम्स के रिजल्ट्स पर दिखने लगा। लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने अपने एक अंकल को इंजीनियरिंग सीट के लिए डोनेशन देने के लिए किसी तरह पटा लिया। पीएसबी इंजीनियरिंग कॉलेज, मैकेनिकल ब्रांच। मैं एक छोटे से गांव से आया था, इसीलिए फर्स्ट ईयर में सीनियर से रैगिंग तो होनी ही थी, लेकिन सेकेंड ईयर आते आते पूरा कॉलेज मेरे कंट्रोल में आ गया। साले, जिस कॉलेज में गौतम हो वहां बाहर के लड़के बुलाएगा। ऐश्वर्या, एक लड़का हमारे क्लासमेट की बुरी तरह से पिटाई कर रहा है, चल चल।
जाइए प्लीज, इसे छोड़ दीजिए, इसके बदले मैं आपसे माफी मांगती हूँ प्लीज। हे, आर यू ओके? कहीं चोट तो नहीं लगी? मत मारिए, छोड़ दीजिए इसे, छोड़ दीजिए प्लीज। खूबसूरत लड़की है यार। अरे मुझे तो लगा तू उसका सर फोड़ेगा, लेकिन तूने तो 100 वाट का बल्ब फोड़ दिया। उस लड़की ने कहा उसे माफ कर दूं। और तूने उसे माफ कर दिया? कौन है जो हाथ जोड़ रही थी? वो लड़की जो स्टूडेंट को लेकर गई। अरे ये सब तुझे सूट नहीं करता यार, कॉलेज के रिटायर्ड होने वाले प्रोफेसर की भी तू रैगिंग करता है, और ये नई नवेली लड़की के सामने भीगी बिल्ली बन गया। प्रॉब्लम क्या है? तबीयत ठीक है ना? डॉक्टर के पास ले चलूं क्या? रुको, छोड़ो मुझे, रोको उसे। तुझे दौरा पड़ा है क्या? क्या किसने किसको पकड़ा है जो छोड़ने को कह रहा है? ए, क्या ये क्या हो गया इसे? उस लड़की में क्या देख लिया इसने? पता नहीं। एक काम कर, तू डॉक्टर को लेके आ, तू हकीम को लेके आ। हाँ ठीक है, मैं जाता हूं। रघु वहाँ जाने की जरूरत नहीं, ऑनलाइन डॉक्टर आते हैं आजकल, marizkadard.com पे जा लॉग इन कर। मुझे लाइफ में सिर्फ 2 चीजों से किक मिलती है, एक फुटबॉल को किक करने से और दूसरा बॉटल को बॉटम्स अप करने से। ये ठीक है, ले यार, तेरी आँख में कचरा है। कचरा है? ये किधर? नहीं नहीं, ये इधर ही सिंगदाने निकाले इसने, ले खा। फीलिंग बाहर आ गई? नहीं बिल्कुल नहीं, फीलिंग को फिर से रिफिल करते ना। ये टकले तू जगह बदल, जगह बदल, ये तू हंसके लेकिन अब लाइफ में एक और चीज से किक मिलने लगी थी। पानी पास करना, चल चल फ्री हूँ, दे दे क्रॉस दे। अरे फेंक यार, अरे लेके जा, लेके जा, आगे लेके जा। इधर दे, मैं ओपन हूँ फाइल। हाँ बस सीधे चलती रहो। अरे डर क्यों रही हो? मैं हूँ ना, मैं ब्रेक मार दूंगा, चलो। अरे डरो मत, मैं हूँ ना, इतनी रेस मत दो, धीरे 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 तो चला रही हो, देखो 2 दिन में चलाना सीख गई। अरे अरे आराम से मोड़ो ना, पूरी गाड़ी हिला रही हो। तुम ही हिल रहे हो स्टूपिड। अरे हैंडल तो अच्छे से पकड़ो। अरे क्या कर रही हो, हैंडल भी पकड़ना नहीं आता। मैं चला सकती हूँ। जो कह रहा हूँ वो सुन नहीं रही हो और बस अपनी चलाई जा रही हो, और अगर ठीक से नहीं चलाई ना तो तुम्हारे पापा को बोल दूंगा। अगर तुमने ये बात मेरे पापा को बताई ना तो क्या करोगी? बोलो ना। चलो ग्राउंड से बाहर चलते हैं। क्या हुआ, डर गए क्या? क्या मैंने कहा तुम्हारी हवा निकल गई ना? ए, मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। हाँ हाँ, उसके सामने तो चूहे बन गए थे। ए, उसके एरिया में वो शेर है और मेरे एरिया में मैं। हाँ देख लिया मैंने, अगर वो मुझे अभी मिल गया ना तो उसका तो मैं मर्डर। इशारा समझ में नहीं आता क्या? स्टैंड उठाना तेरा बाप सिखाएगा? ठीक से सिखाए से। Thank you.
अरे एचओडी तुझे कब से ढूंढ रही है? ओके मैं मिलकर आती हूँ। सीनियर को विश करने की तमीज नहीं है क्या? हाँ? आप सो रहे थे। जो भी हो विश करना कंपलसरी है। आओ। एमपी की बेटी है इसलिए अकड़ दिखा रही है। इधर आ। तेरा बाप कितने वोटों से इलेक्शन जीता था? 1,40,004 वोट्स। बोगस वोट कितने थे? मेरे पापा बेईमान नहीं है। हाँ वो तो दूध का धुला है। सीनियर। ए, सीनियर। हाँ जूनियर क्या हुआ? क्या कर रहा है तू? मैं लक्ष्मी मिलने था। मैं सुपरवाइजर हूँ ना। हाँ ये मेरा सीनियर है। मैं सीनियर हूँ तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। ज्यादा हो रहा है। ओके तो कम कर लेता हूँ। मेरे सीनियर को लक्ष्मी मिल में सुपरवाइजर की पोस्ट चाहिए। तुम्हारा बाप तो महान आदमी है ना। कल सुबह तक रिकमेंडेशन लेटर चाहिए क्या? नहीं वो ऐसे गलत काम नहीं करते। क्या हुआ? जॉब मिल गई क्या? जॉब मिल जानी चाहिए। ए सीनियर ठीक से स्टडी तो नहीं कर पाया, सुसु तो करना सीख। अबे मुझे मत सिखा, तेरी वजह से मैं भीग रहा हूँ, सारा छीटा मुझ पर आ रहा है। चल तू भी बैठ जा। अरे रे सुसु भी ऐसी घटिया स्टाइल में कर रहे हो जैसे पतंग का पेच लड़ा रहे हो, दोनों को नहाना पड़ेगा। सुनो ना। अरे ये बिना टिकट के शो देख रहा है, ऐसे बोल रहा है जैसे तूने कभी किया ही ना हो। दीदी बुला रही है। तेरी दीदी बुला रही है तो तेरे भाई को बुला ना, हमें क्यों बोल रहा है? ऐश्वर्या दीदी ने गौतम को बुलाया है। ऐश्वर्या? ऐश्वर्या बुला रही है? लेटर रेकमेंडेशन। सीनियर। हाँ जूनियर। लग गई मेरी तो नौकरी, लग गई मेरे भाई। सिस्टर चल चल निकल यहाँ से। थैंक यू सिस्टर। ए चल मैं काम पे जा रहा हूँ। अच्छा सीनियर्स की रिस्पेक्ट करती हो, गुड गो। अच्छा ये बता वो हाथ में क्या लेकर आई थी? कुछ नहीं रे, जॉब के लिए रिकमेंडेशन लेटर चाहिए था। वही। किसका रिकमेंडेशन? यहाँ के एमपी का। एमपी का? प्यून से काम कराओ तो भी खर्चा पानी देना पड़ता है, लेकिन एमपी की बेटी बिना खर्चा पानी के लेटर क्यों लाई? क्यों लाई बता ना। बोल ना मुझे कुछ सीखने को मिलेगा। तू क्या मेरा रेडियो पे प्रोग्राम चलाएगा? प्रोग्राम तो तुम्हारा दोनों का फिक्स हो गया है। क्या हुआ है बता ना, बता ना क्या हुआ है? अरे वो बहुत दिन से मेरे पीछे पड़ी है। क्या? कुछ 2 महीनों से कभी मेरा पीछा ही नहीं छोड़ती। जिम जाता हूँ तो वहाँ पहुँच जाती है डंबल्स लेके, बाल कटाने गया तो वहाँ भी चली आई, मेरे बगल में बैठ गई, चाय की टपरी पे चाय पीने गया तो वहाँ भी पहुँच गए। एक दिन उसके हाथ में दवाई की बोतल देखी, विटामिन सी की गोली होगी, स्लीपिंग पिल्स थी। उसने कहा वो मर जाएगी। तुम कहो तो मरने दूं उसे? नहीं 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 नहीं, पुलिस केस बन जाएगा। नहीं नहीं नहीं, इसलिए लव करने का परमिशन दे दिया। किससे? ए मुझसे। ए कई दिनों से ना गोलियां खा रहा हूँ बॉडी बनाने के लिए, लेकिन बॉडी नहीं बन रही है ना ही लड़की पट रही है। सोच रहा हूँ स्लीपिंग पिल्स खा लूं, कोई ना कोई लड़की मुझे प्यार करने का परमिशन दे देगी। एक दिन परमानेंटली सुलाना पड़ेगा। पीएसडी कॉलेज वर्सेस केईसी कॉलेज, कौन मारेगा बाजी? हम देखेंगे बाजी, कौन बनेगा इस साल का सागर का सुपर किंग? लेट्स सी माय ब्रदर एंड माय सिस्टर। ध्यान से मार्कर। ये है राजेश और ये है खन्ना। ब्यूटीफुल पास। Yes, Gautham. Star striker for PSG. और ये बहुत ही शानदार हिट था, बहुत ही तेजी से आगे बढ़ता हुआ गौतम, ये बहुत खतरनाक लग रहा है और ये गोल।
खेल बहुत ही रोमांचक दौर में चलता हुआ, बहुत ही शानदार खेल का मुजाहरा। भाइयों बहनों माफ करना, मुझे जरा एक जरूरी काम आ गया है, तब तक मेरे साथी कमेंटेटर रविंदर आपका साथ देंगे, थोड़ी देर बाद मिलता हूँ, घर जाके आता हूँ। अच्छा खेलने का क्या फायदा? मतलब देखना सारी सुंदर लड़कियां ऑपोजिट टीम को चीयर कर रही है, अपनी वाली को देखेगा वो देख पॉपकॉर्न खा रही है। अच्छे प्लेयर, गेम पे फोकस करते हैं। तो अब देखते हैं कि क्या पीएसबी सेकंड हाफ में अपना जादू बरकरार रख पाती है या नहीं। लगता है ये गेम बहुत ही रोमांचक होने वाला है। पीएसबी ऑन स्ट्राइक, बॉल फिर से गौतम के पास। तो ऐश्वर्या मेरी तरफ देखो, गौतम स्कोर के काफी करीब पहुंच गए हैं। आई सेड लुक एट मी, ऐश्वर्या यहाँ देखो, दिल की धड़कन तेज होने लगी है। ऐश्वर्या मेरी तरफ देखो, क्या बॉल गोल के बजाय किसी गर्ल को हिट कर गई। अरे ऐसे जा रहा है जैसे तेरी बीवी को बच्चा होने वाला हो, हैं? हे, मजाक के मूड में नहीं। अरे बात तो सुन, तेरी बैंड बजने वाली है पता है? इस हॉस्पिटल में जितना स्टाफ है उससे ज्यादा लोग तो ऐश्वर्या की तबीयत पूछने आ चुके हैं। उसके गेटवेल सुन के लिए 100 करोड़ का चढ़ावा चढ़ चुका है मंदिर में। अगर उसके बाप को पता चल गया तूने फुटबॉल मारा है तो तुझे मार मार के तेरा वॉलीबॉल बना देंगे। मेरी मान उससे मिलने मत जा, क्योंकि जो भी होना था वो हो गया है। अब इसमें तू और मैं कुछ नहीं कर सकते। हाथ क्यों उठा रहा है? पहले ट्रैफिक हवलदार था क्या? यहाँ का एमपीए। हेलो सर। उसे मिले 2 दिन हो गए थे, मैं बहुत बेचैन हो गया था। सो व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल ट्रांसफॉर्म? या राजू टेल मी। सॉरी। इट्स ओके, तुमने जानबूझकर नहीं किया। मैंने जानबूझकर किया। क्या कहा? उसने ये सब तुम्हारे साथ जानबूझ के किया? तुमने अपने डैड को बताया? मैं जाके तुम्हारे डैड को बताता हूँ, वो उसे ठीक करेंगे। पीटर, बेकार में इश्यू मत बनाओ। 128 रुपए। पैसे मैं दूं क्या? तू 5 साल से तुझे चाय पिला रहा हूँ, तूने एक बार भी पैसे दिए? कहाँ से दूं पैसे? किडनी बेच के पैसे दे। कितना बेशर्म दोस्त है तू, 5 रुपए की चाय के लिए रो रहा है, कंजूस कहीं का। भजिया रेडी है? रेडी मैम। अगर रेडी है तो होम डिलीवरी क्यों नहीं करवाई? अगर मुझे कहा होता तो मैं आ जाता, मैं फ्री में डिलीवरी करता हूँ। पहली बार छेड़ा इसलिए माफ कर रही हूँ। आंटी चली गई क्या? थू, साले तुझे ठीक से प्यार करना भी नहीं आता। अरे प्यार से दूर ही रहो, प्यार बिल्कुल खुजली जैसा होता है, जितना खुजाओ उतना ज्यादा मजा आता है, लेकिन गलत जगह गलत वक्त पे खुजाए ना तो खून का फवारा निकल आता है, और इसे तो अभी प्यार वाली खुजली हुई नहीं है, बाद में पता चलेगा। छोटे मुझे दिखा रहे। थू, दोस्त को गलत राह पर धकेल रहा है। मैंने तो बचपन से तय किया है मम्मी की पसंद की लड़की से शादी करूंगा। आहा, सीनियर तुम पे खुल्लम खुल्ला लाइन मार रहा है, क्या बात है। तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है, बताना यार, झूठ मत बोल, कुछ तो चल रहा है ना, बोल झूठ मत बोल मुझसे। क्या करे, बताना। ए, रुक, 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 come on, tell me, तू भी उसे बहुत पसंद करती है ना। अरे बोल ना। हे, अब मैं जाकर सबको बताती हूँ कि ऐश्वर्या का सीनियर के साथ कुछ तो चल रहा है। वैसे कुछ भी बोल यार, तुम दोनों की जोड़ी बहुत सॉलिड है। अशु हटो। सॉरी।
जानबूझकर नहीं किया। वो लड़की को ड्रग कर आगे निकलो, उसके घर पहुंचाओ। अरे सुनो, वो चल तू निकल यहां से, चल ऐश्वर्या जल्दी निकल ले, तो बहुत मार खाएगा। चल निकल यहां से, मैंने जानबूझकर नहीं, समझ में नहीं आता क्या? चल निकल यहां से, निकल यहां से, बहुत पीटेगा, बहुत मार खाएगा। चल निकल यहां से, अभी पुलिस आएगी तो तेरा हड्डी पसली एक कर देगी। चल ए ए क्या देख रहा है? चल निकल यहां से, चल नहीं तो फोड़ दूंगा। एक पल में उसके सामने हीरो से जीरो बन गया। उसके रोने की आवाज अब तक कानों में गूंज रही है। दिमाग जानता था कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन दिल झूठी तसल्ली से खुद को बहलाने की कोशिश कर रहा था। अब उसका सामना कैसे कर पाऊंगा? पता नहीं उसकी आंखों में आंखें डालकर कभी उसे देख पाऊंगा या नहीं। तेरा बॉटनी में मार्क्स क्यों कम आया इशू? कोई प्रॉब्लम है क्या? सॉरी सॉरी, इट्स ओके। आजकल पढ़ाई पे कंसंट्रेट ही नहीं कर पा रही हूँ। डी रेडी पढ़ना है? नहीं नहीं यार, पढ़ाई बात नहीं है, असाइनमेंट बाकी है। अरे वो असाइनमेंट भी बाद में कर लेना। दो समोसे यार। हां कोई नहीं है मेरे साथ। इशू वन मोर टी। हां भैया एक और चाय। ओके एक मिनट। उस दिन सच में मैंने जानबूझकर नहीं किया। वो ट्रक तुमने देखा नहीं, तो उससे बचाने के लिए मैंने तुम्हें खींचा। उसी गलती में ड्रेस बेवकूफ हूँ मैं, आई एम एन इडियट। खुद से नफरत होने लगी, तो मुझ पर गुस्सा होगी और तुम्हारा गुस्सा। हाँ मैं गुस्सा हूँ। जिस तन पर सिर्फ तुम्हारा हक है, उसे किसी और ने कैसे देखा? जब से तुझे प्यार हुआ है तब से चूरन भी देने लगा है। तेरी बात पे मुझे यकीन नहीं हो रहा है। यकीन नहीं होता तो कल का न्यूज़पेपर देख लेना। चल I'm the happiest man in the world। ऐश्वर्या मेरी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा बन चुकी थी। वो मेरी हर कमी के साथ मुझे अपना चुकी थी और मुझे उसकी यही बात सबसे अच्छी लगती थी। अब वही मेरी जिंदगी है। हाय, मैं तुम्हें कॉलेज में ढूंढ रहा था। चलो बैठो। लेकिन क्यों? बस राउंड मारेंगे, चलो। आज नहीं, किसी और दिन चलेंगे। ओके घूमने के लिए भी मुहूर्त निकालोगी क्या? चलो बैठो। प्लीज तुम प्यार करती हो, मैं प्यार करता हूँ, तो साथ में घूमने में क्या प्रॉब्लम है? सच कह रहा हूँ, बहुत मजा आएगा। बहाने बनाने बंद करो, चलो चुपचाप बैठो। हम दूसरे लवर्स से अलग नहीं हो सकते क्या? कोई जरूरत नहीं है ऐश्वर्या। हाँ? मैं चलता हूँ, शाम को मिलता हूँ। हे रुको, मैं भी चल रही हूँ, मुझे कॉलेज में जरूरी काम है। कहाँ जा रही हो? गौतम लोग देख रहे हैं, मेरा हाथ छोड़ो। मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, तुम मेरी बीवी बनोगी। पर अभी बनी तो नहीं, छोड़ो मुझे।
चलो। छोड़ना मत, कस के पकड़ो और कस के पकड़ो। हमें भी फॉरेन में रहना चाहिए था। वहाँ शादी के पहले ये मत करो वो मत करो ऐसी पाबंदी नहीं होती। ए टकलू, नींद में क्या सपने देख रहा है? इधर सामने देखना। हेलो। हे, क्या कर रही हो? गौतम, एक सेकंड, रुको रुको रुको। आप बोलो, इतनी रात को फोन क्यों किया? होने वाली बीवी हो यार, कभी भी फोन कर सकता हूँ। ओके ओके ओके, आप बोलो, इतनी रात को फोन क्यों किया? एक किस चाहिए थी। बस इतनी छोटी सी, इससे काम नहीं चलेगा। क्या कर रही है? चुपचाप सो जाना। हेलो मम्मी। हेलो 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 हेलो। रुको रुको गौतम, वेट करो, रुक जाओ रुक जाओ। किसका वेट कर रहा हूं मैं? दी तो मैंने। जो दी वो बच्चों वाली पप्पी थी। मुझे असली किस चाहिए, वो भी आमने सामने, लिप टू लिप। वो तो शादी के बाद ही मिलेगी। आयशु, बच्चा पैदा करने नहीं कह रहा हूं। I just want a kiss। हाँ बाबा दे दूंगी। हमेशा अपनी बात से मुकर जाती हो। अच्छा मेरी बात सुनो, मुझे ना एक मोबाइल और सिम कार्ड जल्दी से ला कर दो। पर तुम्हारे पास फोन है ना? समझा करो, मुझे फोन इसलिए चाहिए कि मम्मी को शक ना हो जाए। मम्मी ने अगर पापा से बोल दिया तो हमारी लव स्टोरी का दी एंड। ठीक है। पिक्चर खत्म। मेरा कॉलेज छुड़वा देंगे, सब लाइंस टैप करना शुरू कर देंगे। वो तो है। फिर तुमसे कांटेक्ट कैसे कर पाऊंगी मैं? करेक्ट। इसलिए सीक्रेट नंबर चाहिए। आहा, वेरी क्लेवर। अब बिल्कुल पॉलिटिशियन की बेटी लग रही हो। ऐश्वर्या जल्दी निकल। क्या है मम्मी? जल्दी करना, मुझे जोर से आई है। आ रही हूँ मम्मी, थोड़ा पेशेंस रखो। फोन मत काटना। okay. निकलना। आई क्या मम्मी, घर में एक ही बाथरूम है क्या? हट, इमरजेंसी में इतना दिमाग नहीं चलता। थैंक गॉड। हाँ बोलो। हेलो, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। कॉलेज में तो साइलेंट मोड पर घूमती रहती हो। हेलो, क्या कर रही हो? हेलो हेलो। हाँ बोलो। मुझे लगा फिर से साइलेंट मोड पर चली। ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हें देखने का मन कर रहा है। क्या बोल रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आयशु,
मेरे होठ जल रहे हैं, गला प्यास से जलने लगा है। अपने होठों से एक जाम पिला दो, जिंदगी भर की प्यास बुझ जाएगी, मरने से बच जाऊंगा। क्या ख्याल है? बहुत ही नेक ख्याल है। शादी के बाद में पूरी की पूरी तुम्हारी, तुम जो कहोगे जब कहोगे सब कुछ मानूंगी। अभी थोड़ा पेशेंस रखो, ओके? तो मेरा दिल तोड़ रही हो। शादी से पहले अगर मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की क्या तो... करोगी तुम? ऐश्वर्या, इतनी रात को बाहर क्या कर रही हो? चलो सो जाओ। हाँ ओके, हो जाएगा। वो यहाँ आया कैसे और अचानक गायब हो गया? सो गई। यू प्लीज कैरी ऑन। ये खूबसूरत साड़ी, ये मोगरे के फूल, एकदम दुल्हन जैसी लग रही हो। वैसे मैं डैशिंग दुल्हा लग रहा हूं ना? ए, क्या हुआ? शादी वाले दिन दुल्हन इतनी उदास क्यों है? मैं ठीक हूं। वो तो दिख रहा है, अब बताओ। क्या बात है गौतम, हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं ना? ये मेरे अकेले का फैसला नहीं था। घर लौटना है तो लौट जा, शादी कैंसिल कर दे। तुम्हारा हर फैसला मेरा फैसला है। तुम्हें पहली बार देखा तो प्यार हो गया, अपनी हर धड़कन तुम्हारे नाम लिखती। मैं तैयार हूं। इधर कोई भजन गाने वाला है क्या? हारमोनियम लेके जा रहे हैं। अबे शुभ, वो रजिस्टर है। सर, वो शादी के लिए एमपी की बेटी को लेके आए। 9 बजे की ड्यूटी होती है, 11 बजे तो ऑफिसर आते हैं। लड़की का नाम है गौतम और लड़की का नाम है ऐश्वर्या, और ये रहे पेपर्स। तुम लोग कॉलेज के स्टूडेंट हो? ये गंजे, तुझे बोला था ना विग पहन के आना, तेरी वजह से कोई हमें सीरियसली नहीं ले रहा। पढ़ाई पूरी करने से पहले शादी कर रहे हो? डिग्री मिलने में तो 30-40 साल और लग जाएंगे, और तब तक तो दादा दादी बनने की उम्र हो जाएगी ना। 4 बार फेल हो चुके, 30 बार बाकी है। लगता है तुमने ज्योतिष से मुहूर्त नहीं निकलवाया, 1 घंटे तक राहु काल है। मेरा इसमें विश्वास नहीं है, अब फॉर्मेलिटीज। 1 घंटे की तो बात है। ठीक है, वेट करते हैं। शादी के पहले ही जोरू का गुलाम बन गया। चलो दवा दवा के क्या निकाल रहे हो? चाय है बाबा। कोई भी बनते देखा तो पिएगा नहीं।
अच्छा शादी के पहले कुछ खाएगा या बाद में? रसगुल्ला खाओगी? चाय पिला यार। लगती क्यों हो? जिंगर ला, चाय ला, सबको पिलाता हूँ। लो एक एक बाट लो, गरम है। शादी वाली फीलिंग आ रही है ना। अगर चाय के साथ किसी को खारी चाहिए तो वो भी बोलो। संभल के, गर्म है। गर्म है क्या? ये लोग चाय अंगार पर बनाते हैं इसलिए गर्म है। इसे साड़ी से पकड़ के मत पियो, कोई फायदा नहीं है। मैं बताता हूँ, पहले तो गिलास में सुनामी लाओ, फिर हाथ से गिलास को पोछो, फिर ऊपर वाले का नाम लेके घप से पी जाओ। मेरी गारंटी है कि इसमें मक्खी भी गिरी होगी तो भी कोई असर नहीं होगा। पहले मैं भी चाय की दुकान में काम करता था, अगर उसमें मक्खी गिरी होती तो मैं उसे निकालता और लोगों को पिला देता। पसंद नहीं है तो छोड़ दो। तुम कुछ खाओगी? बड़ा मेदू वड़ा एक प्लेट। ए गरम मेदू वड़ा दे। मेदू वड़ा पता नहीं कहाँ रख दिया। ए क्या कर रहा है ये? शायद रख के भूल गया कि कहाँ रखा है, इसलिए खींच कर निकालने की कोशिश कर रहा है। अबे नहीं चाहिए, लगता है मेदू वड़े के साथ और भी कुछ फ्री में देने वाला था। ये गौतम के साथ बाइक पे बैठने से डरती थी, आज डायरेक्ट रजिस्ट्रार ऑफिस ले आई। गुरु इसी को प्यार बोलते हैं। इन लोगों को देख के मुझे लग रहा है कि एक लड़की ढूंढ के मैं भी शादी कर लूं। टकले मुझे डाउट है तेरी शादी होगी, क्योंकि 60 साल के ओवरएज टकलों की शादी करना कानूनन अपराध है। वैसे तुमने किसी से प्यार किया? मैंने तो हर लड़की से प्यार किया, लेकिन मुझसे किसी ने नहीं। ये बहुत ही मासूम लड़की है, सब कुछ छोड़कर तेरे पास आ गई है, उसका ख्याल रखना। लाइफ में कभी भी उसे इस फैसले पर अफसोस नहीं होना चाहिए, दुख नहीं होना चाहिए। एक बार तुम्हारी शादी हो जाए तो तुम्हारा बाप भी मान जाएगा। तू अपने अंकल से क्या कहेगा? नहीं तो क्या? पता नहीं, अंकल के अलावा दुनिया में मेरा और कोई नहीं है। अंकल ने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। वो दरअसल मेरी शादी धूमधाम से करना चाहते थे। शादी के बाद अंकल के साथ इसके पिता का आशीर्वाद लेने जाएंगे। आपका राहु काल खत्म हो गया? बस दादा 10 मिनट और रुक जाओ। क्यों, एमपी को बुलाया क्या? अंकल जी आप रजिस्ट्रार होके सीआर जितने चालाक हैं तो सोचिए, हम इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट हैं, हम कितने चालाक होंगे। आप चाहें तो एमपी के आने के बाद साइन वाइन कर लेंगे, लेकिन फिलहाल शादी कर लेते हैं। हा? सीनियर माला। ये ले जूनियर, हार तैयार है। ले पकड़। मंगलसूत्र छोटे, मंगलसूत्र दे। हेल्प करूं? ए। एक गांठ में काम नहीं चलेगा, तीन गांठ माननी होंगी। एक दो तीन, फंस गया। ऐश्वर्या पूरे खानदान की नाक कटा दी तूने। सुनो ऐश्वर्या को छोड़कर बाकी सबको खत्म कर दो। क्या कर रहे हो? किस मिट्टी का बना है ये? पापा छोड़ दीजिए ने। पापा आपको मेरी कसम, छोड़ दीजिए ने। पापा प्लीज मत मारिए, प्लीज रोक के उन्हें। पापा नहीं, नहीं रुक जाइए, उन्हें छोड़ दीजिए, कोई तो मदद करो। छोड़ दीजिए, हटो। ऐश्वर्या छोड़ो इसे, हटो। ऐश्वर्या ऐश्वर्या पापा इन्हें रोकिए, चलो मेरे साथ। सुनो छोड़ दो, चलो छोड़ दो इसे। ऐश्वर्या गौतम यहाँ से, पापा छोड़िए, चलो। अशु छोड़ो से, अशु छोड़िए।
चलो। पापा मुझे गौतम के पास जाना है। चुप रहो। पापा। बैठो गाड़ी में। गाड़ी में बैठो। बैठ जाओ। मैं अपनी सारी जिंदगी ऐश्वर्या के साथ बिताना चाहता था, लेकिन बेरहम वक्त ने एक ही पल में मेरे सारे सपने खाक कर दिए। मेरी दुनिया बसने से पहले ही उजड़ चुकी थी। आशु! रिलैक्स, आपकी हालत ठीक नहीं है, आप प्लीज आराम कीजिए, लेट जाइए, सब ठीक हो जाएगा। अरे बेटा क्या हुआ? अरे अरे आराम से हाँ, पानी पी लो, ये लो पी लो, पी लो बेटा। ऐश्वर्या सिर्फ मेरा प्यार नहीं थी, वो मेरा वजूद थी। मैं उसके साथ अपनी पूरी जिंदगी तो नहीं बिता सकता, काश सिर्फ एक पूरे दिन के लिए भी उसके करीब रह पाऊं तो ऐसा लगेगा जैसे 7 जन्म गुजार लिए। लेकिन मैं जानता हूं ये ख्वाब बस ख्वाब बनकर ही रह जाएगा। काश वक्त में पीछे जाकर बस ऐश्वर्या के साथ एक दिन बिता पाता, बस एक दिन। कैसा है तू यार? राजेश कुछ पता चला? हमने उसे हर जगह ढूंढा, सारे दोस्तों से बात भी की, लेकिन पता नहीं वो कहाँ है। ए, 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 अरे क्या कर रहा है? मेरी बात सुन। अरे सुन, ये क्या कर रहा है? क्या कर रहा है तू? सुन, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, बैठ जा। अरे संभाल कर, आराम से। अरे संभाल के, अरे कहाँ जा रहा है? अभी तक गुस्सा है, डॉक्टर ने बेड से उठने के लिए मना किया था। सुन मेरी बात सुन, तुझे आराम की जरूरत है। देख हम पूरी कोशिश कर रहे हैं ना उसे जल्दी ढूंढ लेंगे। यार बेटा, अरे ये तो अंकल है। क्या हुआ? मैंने उठने को मना किया था ना, क्यों उठे आप? जल्दी गाड़ी निकालो, जल्दी लेके जाओ। इंसान सिर्फ ख्वाब देख सकता है,
उन्हें पूरा करना या ना करना ऊपर वाले के हाथ में होता है। मेरी हो ना हो, मेरे अंकल की इच्छा जरूर पूरी हो गई। जो किसी मरने वाले की आखिरी बात की इज्जत ना रखे वो इंसान नहीं है, और मैं शैतान नहीं बनना चाहता था। वो मेरी शादी कुसुम से करवाना चाहते थे। एक दिन यही कहते कहते उनकी मौत हो गई। जब सुंदरकांड भी रामायण में सिर्फ एक बार आता है तो मेरी जिंदगी में ऐश्वर्या दो बार कैसे आ सकती थी। मेरी स्वीट हार्ट, मम्मी कहाँ है? मम्मा अंदर है, सो रही है। अच्छा, चलो चलो। बाओ, हे डार्लिंग, तबीयत तो ठीक है ना? कुछ नहीं हुआ है, बस ऐसे ही ड्रामा कर रही है। चुप। बाहर चलते हैं। ठीक है। ओके। मुझे 3 घंटे का काम है, उसके बाद लंच डिनर आउटसाइड, और तुम भी ऑफिस से हाफ ले लो, ओके? पापा, मेरी मैथ्स टीचर ना आपसे मिलना चाहती है। सुनो ना, पापा। यस सर, आई जस्ट केम। आप सुन रहे हो कि नहीं? ओके, आधे घंटे में? ऑलराइट। थैंक यू वेरी मच सर। जीएम इज वेटिंग, आई विल गेट बैक टू यू। मैं तुमसे बहुत खुश हूं। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू लेटर। हे रोहित, अरे संभाल के यार। सॉरी। ए बेटा, मम्मी कहाँ है? ठीक है, चलो मेरे पास आ जाओ। देखो, मम्मी को फोन लगाते हैं, लेट्स कॉल। मम्मी यू आर लेट। हे रुको, हेलो, हे। हेलो गौतम, नेहा बोल रही हूँ। ओ हेलो कुसुम। कुसुम मीटिंग में बिजी है। ओ कोई जरूरी काम है तो बताओ। नो, जस्ट टेल हर दैट आई हैड कॉल्ड। ओके, मैं उसे बोल दूंगी। बाय। हे, रात को कब आई? 1 बजे। आज इतनी जल्दी जा रही हो? आजकल ऑफिस में काम का लोड ज्यादा है। एनी प्रॉब्लम्स एट वर्क? नहीं, लोखंडवाला से नए क्लाइंट्स आने वाले हैं, मीटिंग भी वहीं करनी है, मैडम मेरा वहीं इंतजार कर रही हैं।
आयशु को स्कूल भेज देना। हे स्वीटी पाई, अब तक ठीक से साड़ी पहनना भी नहीं आता, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है जा। मैं जरूर आऊंगी, फिकर मत करना। हाँ बाय। हेलो, ओहो गौतम, मैं कुसुम नहीं हूँ। क्या कर रहे हो? सॉरी सॉरी मैम। ओहो ज्यादा ही प्यार उमड़ रहा है। अरे पता नहीं कुसुम क्या करती होगी। एनीवे तुम खुश हो ना, काफी है। आप हमें खुश रहने देती कहाँ? क्यों? और क्या? 10 दिन हो गए मुझे यूएस से लौटे, उसे ठीक से मिल भी नहीं पाया हूँ। आप ही उसे बिजी रखती हैं। कौन मैं? आजकल तो उसे कुछ ज्यादा काम भी नहीं है। मुझसे कहती है कि मुझे ओवरटाइम करना है। ठीक 5 बजे भागने वाली कुसुम 10-11 बजे तक काम करती है। आप सच कह रही हैं? हाँ? वाकई उसके पास ज्यादा काम नहीं है तो फिर वो। गौतम एनी प्रॉब्लम? नो मैम, आई एम ओके, आई एम ओके। ओके कोई काम हो तो कॉल करना। ओके श्योर, ओके बाय। ए, फोन बंद करके खाना खाना चुपचाप। खाते समय फोन पे बात करता है। मम्मी, मुझे नए गेम की सीढ़ी चाहिए। तंग मत करो। मुझे अभी चाहिए, अभी चाहिए, अभी चाहिए, अभी चाहिए। तंग मत करो। सॉरी बेटा, मुझे बात नहीं करनी। अच्छा ये सीडी लो, मैं सॉरी बोल रही हूँ। लो खेलो जाओ। चैनल बदलने का नाटक कर रहा है। तुम्हारे पापा ने झूठ बोला है। पापा कभी झूठ नहीं बोलते, आप बोलते हो। मैं? आपने झूठ क्यों बोला कि ऑफिस में बहुत सारा काम है? तो पता चल गया। तुम्हारे पापा क्या सचमुच मुझे प्यार करते हैं? तो जाके पापा से पूछो। सभी आदमियों की तरह वो भी झूठ ही बोलेंगे। पापा! पापा, मुझे एक डाउट है। क्या डाउट है बच्चा? क्या आप बता सकते हैं आप मम्मी से कितना प्यार करते हैं? ये तुम्हारा डाउट है या मम्मी का डाउट है? मम्मी को लगता है कि आप उन्हें प्यार नहीं करते, लेकिन मुझे लगता है कि आप उन्हें बहुत प्यार करते हो। आओ मेरे साथ। आओ। मम्मी यहाँ आओ। मैंने 6 साल पहले डायरी लिखना छोड़ दिया, पर तुम्हारी मम्मी से दूर रहकर फिर से दिल की बात लिखने का मन किया। क्या लिखा है? कुसुम से इतनी दूर होने के बाद आज पहली बार एहसास हो रहा है कि सच्चा प्यार क्या होता है। एक पल की दूरी भी बर्दाश्त नहीं हो रही। देखो कुसुम, मैं जानता हूं तुम मुझ पर गुस्सा
उससे वजह पूछने की हिम्मत नहीं कर पाया। चाहे कुछ भी हो जाए मुझसे कभी दूर मत जाना प्लीज। I'm sorry गौतम, जिंदगी में ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। I love you. हाँ ठीक है, काम हो जाएगा। नमस्कार। नमस्ते। बैठिए। आप ऐश्वर्या की फ्रेंड है ना? जी हाँ। क्या लेंगी आप, कॉफी या चाय? कुछ भी चलेगा। हेलो, दो फिल्टर कॉफी भेजना। बच्चे कितने हैं तुम्हारे? एक बेटी है। तो कहो क्या हेल्प चाहिए? मुझे ऐश्वर्या से मिलना है। तुम बिल्कुल सही समय पर आई हो, कल ही वो अपनी बीमार माँ से मिलने ऑस्ट्रेलिया से आ रही है। देखा तुमने, देखो वो रही, वो है ऐश्वर्या। अरे ऐश्वर्या बेटा, लाओ अपना बैग मुझे दे दो। सुनो मेरी बात तो सुनो ऐश्वर्या, क्या हुआ? मैं तुम्हें लेने आया हूँ। टैक्सी? टैक्सी क्यों बुलवा रही हो, अपनी कार खड़ी है वहाँ। सुनो मेरी छोटी सी गलती की इतनी बड़ी सजा मत दो बेटा, 6 साल से तुमने मुझसे बात नहीं की, मेरा चेहरा नहीं देखा। अपने बाप पर रहम करो, मैं तुम्हारे हाथ छोड़ता हूँ। हाय, आई एम कुसुम, गौतम की वाइफ। तुम भी उसकी वाइफ? थैंक यू। क्या कर रही हो कुसुम, देखो कोई आया है। दरवाजा क्यों नहीं खोल रही? अरे कोई दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा? हाय गौतम। अंदर नहीं बुलाओगे मुझे? आओ। आओ।
बैठो। कैसे हो गौतम? मैं अच्छा। तुम कैसी हो? गुड। तुम अच्छा। वन सेकंड। मैं ऐसा कर लूंगी। कुसुम, वो कोई मिलने मेरे मेरी दोस्त मैंने इसे बुलाया है। क्यों? इसलिए कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ गौतम। बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। ऐश्वर्या के साथ एक पल भी सात जन्म जैसा होगा। अब ये सपना सच होगा। कितनी पीड़ा के साथ अपने आंसुओं से ये बात लिखी। मैंने सिर्फ तुमसे प्यार नहीं किया, तुम्हारे सपनों से, तुम्हारी इच्छाओं से, तुम्हारी भावनाओं से, तुम्हारी हर बात से दिल लगाया है। मुझे टोटली आज तुम्हारी कुसुम रो मत। आज तुम्हारी ऐश्वर्य तुम्हारे पास आ गई है और आज के लिए मेरा और तुम्हारी बेटी का अस्तित्व नहीं है। कैसी बातें कर रही हो? इतने सालों साथ रहने के बाद सिर्फ एक लम्हे के लिए मानो कि हम तुम्हारी जिंदगी में थे ही नहीं, नहीं तो हमारे सृष्टि का कोई मायना नहीं रहेगा। नहीं, नो गिल्टी कॉन्शियस। ओके। आयशु, आयशु, चलो। मम्मी। हाय कुसुम। हाय। हेलो प्रिटी आयशु। हे, आई गॉट अ गिफ्ट फॉर यू। Hope you like it. Say thank you. Thank you. पसंद आया? बहुत पसंद आया। So sweet of you. ये इतनी सुस्त क्यों लग रही है? तबीयत ठीक नहीं है, slight fever. Oh no. Okay, चलती हूँ।
कुसुम, मुझे नहीं पता तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम कोई गलत कदम नहीं उठाओगी। ऐश्वर्या की तबीयत ठीक नहीं है, उसे डॉक्टर के पास लेकर गई थी। क्या हो गया है तुम्हें, ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो? क्या गौतम का और तुम्हारा झगड़ा हुआ है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ओके, थोड़ा रेस्ट कर लो। ऐश्वर्या को मैं डॉक्टर के पास लेकर जाती हूँ। आयुषु, आज हम डॉक्टर के पास जाएंगे। कल तो दिवाली है ना, वापस लौटते वक्त हम ढेर सारी पटाखे लेकर आएंगे। ओके, कम 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 कम। गुड गर्ल। मामा तुम नहीं आ रही हो? मम्मी को रेस्ट करने दो, मैं हूं ना। मैम, मैं थोड़ी देर सोना चाहती हूँ, सब कुछ भूल जाना चाहती हूँ। आपके पास स्लीपिंग पिल्स हैं क्या? बेडरूम में साइड कबर्ड में रखी है, ले लेना। गुप्ता साहब ने आपको दिया है? ठीक है। सिक्योरिटी? जी मैम साहब। इसे गाड़ी में बिठाना, मैं अभी आती हूँ। जी जी। तुमने कितनी टैबलेट्स खाई? सिर्फ एक ही। ठीक है, यू जस्ट रिलैक्स। हाँ, मैं चलती हूँ। थैंक गॉड। कुछ तो बात करो गौतम। लुक एट मी, मैं इस पल को किसी भी कीमत में खोना नहीं चाहती। एक एक लम्हा मेरे लिए कीमती है, प्लीज इसे जाया मत करो। चीयर अप, मुझे कहीं बाहर ले चलो ना। कहाँ? कहीं भी, पार्क, बीच, पब, रेस्टोरेंट, जहाँ दिल करे। तुम्हारे साथ जन्नत तो क्या, मैं जहन्नुम में भी जाने के लिए तैयार हूँ गौतम। Come on, get up, चलो ना यार, let's chill out, जल्दी करो ना, इस एक दिन में मुझे अपनी पूरी जिंदगी जीनी है। छोड़ो ना यार, कार का क्या करना, बाइक पर घूमने चलते हैं। एक्चुअली वो बाइक नहीं है। Hi, I'm Gautam's friend. एक फेवर करोगे? I need your bike. I want to go on ride with him. हम जल्दी लौटा देंगे, उसके बदले तुम मेरी कार ले लो। Please. ये कोई उम्र है ये पहनने की? मैं तुम्हें उसी पुराने डैशिंग हीरो के रूप में देखना चाहती हूँ, ठीक है? गौतम, चलो चलते हैं, आओ ना। वाह गौतम, बाइक पर घूमने का सपना आज पूरा हुआ है। गौतम और फास्ट चलाओ, गो फास्टर। आज बाइक इतनी तेज चलाओ कि पूरे शहर में कोई भी हमसे आगे ना निकलने पाए। Thank you.
गौतम, तुम दिन में एक बार तो मुझे याद करते ही होगे, इसीलिए तुमने अपनी बेटी का नाम आयशु रखा। वन बियर प्लीज, ग्रीन कलर बियर बॉटल, थैंक यू। शादी के बाद बोलना भूल गए हो? तुम मेरे गौतम हो ही नहीं। क्या तुम सब कुछ भुला के मेरे साथ नई जिंदगी शुरू करोगे? I'll do that. Thank you. ये लो। पियो ना। Come on, have it. गौतम, ये तुम्हारा स्टाइल नहीं है। तुम बॉटम सब करके पीते थे, याद नहीं? नहीं, अब आदत नहीं रही। मेरे लिए नहीं कर सकते? प्लीज। कूल, दिस इज माय ओल्ड गौतम। Wow, I like that. Even better. Hey, Gautham, MTV का grind show इस बार मुंबई में हो रहा है. मेरा favorite show है. मुझे please ले चलो ना. Please, 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 please. Yes, you're great. चलो, चलो, चलो. गौतम, अच्छी लग रही हो ना? जितनी कॉलेज में लगती थी? ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट से क्या मतलब? उस कॉलेज वाली आयशु में और आज की इस आयशु में एक बहुत बड़ा फर्क है। शायद मेरी ड्रेसिंग, मेरा एटीट्यूड सब कुछ बदल चुका है और मेरा गौतम भी बदल चुका है। कुछ भी कह रही हूं मैं, अब तो तुम पर मेरा हक भी नहीं रहा, पराए जो हो चुके हो। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, मैं तुम्हारा मूड ऑफ कर रही हूं। आराम से बैठ जाओ, बैठो ना। जो कुछ आता था सब बना दिया, पसंद ना भी आए तो झूठी तारीफ कर देना, ओके? शायद पहली बार तुम्हारे लिए कुछ बनाने का मौका मिला है। ये खा कर देखो। बस काफी है, तुम भी बैठो ना। हाँ हाँ, मैं भी खाती हूँ। तुम शुरू करो ना गौतम। पल को कभी नहीं भूल पाऊंगी। तुम भी कुछ कहो ना, शायद ये पल फिर ना मिले। प्लीज। सच तो ये है कि मैं भी ये पल कभी नहीं भूलूंगा। प्लीज मुझे माफ कर दो गौतम। चुप हो जाओ, तुम्हारा कोई कसूर नहीं। शायद हमारी किस्मत में यही लिखा था, पर आज का दिन मेरे लिए बहुत खास है। बीच, रेस्टोरेंट, बाइक राइड, डांस शो, वाह, ये सब तुमने सिर्फ मेरे लिए किया। जानते हो मैं तुम्हें वहां क्यों ले गई? आज के बाद मैं जब भी उन जगहों पर जाऊंगी, वो रेस्टोरेंट,
वो डांस फ्लो, हर जगह मैं तुम्हें महसूस करूंगी। इन्हीं यादों के सहारे मैं पूरी जिंदगी गुजार दूंगी। तुम इतना हक तो दोगे ना? मैंने जिंदगी में किसी से भी इतना प्यार नहीं किया। जाओ गया मैडम, टाइम लगेगा।
ऐश्वर्या कहाँ है? डियर कुसुम, तोहफे में तुमने मुझे जो खूबसूरत दिन दिया उसका एहसान मैं अपनी जान देकर भी नहीं चुका पाऊंगी। थैंक्स। जब तुम गौतम को मेरे पास छोड़कर जा रही थी तो तुम्हारी आंखों में मैंने प्यार और दर्द दोनों देखा। तुमने मुझ पर तरस खाकर गौतम के साथ पूरा एक दिन बिताने की परमिशन दी, पर मेरे लिए शायद एक पल भी काफ़ी होता। हम दोनों में 40 मिनट की खामोशी के बाद 10 मिनट तो हालचाल पूछने में गए, फिर 10 मिनट थोड़ी बातें हुईं, और उन 10 मिनट में गौतम ने सिर्फ तुम्हारे बारे में ही जिक्र किया, और मुझे एहसास हो गया कि गौतम तुम्हें कितना चाहता है। पता है, जब हमें किसी अपने के खोने का एहसास होने लगता है तो बेचैनी और बढ़ जाती है, लेकिन अगर ये पता चल जाए कि कोई हमसे भी ज़्यादा उसका ख्याल रख सकता है तो एक अलग ही तसल्ली मिलती है। और मैं इसी सुकून और तसल्ली के साथ यहाँ से हमेशा के लिए जा रही हूँ, क्योंकि मुझे यकीन है कि मुझसे ज़्यादा तुम गौतम को खुश रख पाओगी। अपने अगले जन्म में मैं गौतम को उतना ही प्यार करूँगी, लेकिन ऐश्वर्या बनकर नहीं बल्कि कुसुम बनकर। थैंक्स फॉर एवरीथिंग। थैंक्स कुसुम। ऐश्वर्या कहाँ है? मुझे मिलना है। मैंने तुमसे न जाने कितनी बार पूछा, क्या तुमने किसी और से भी प्यार किया था? तुम्हारे साथ इतनी बड़ी बात हो गई, लेकिन तुमने क्यों छुपाया मुझसे? कुसुम, एक औरत सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन किसी और औरत के साथ पति का प्यार बांटना कभी सह नहीं सकती। मैं ये दर्द तुम्हें कभी नहीं देना चाहता था, बस इसीलिए तुमसे छुपाया। लेकिन तुमने ऐश्वर्या की तलाश की, उसे ढूंढा, उसे मेरे पास लेकर आई। मेरी कुछ समझ में नहीं आया, क्यों इतना प्यार करती हो मुझसे? Hey, Aishu.